तो विशु चाय का कप लिए काउच की तरफ बढ़ गई। उसने चाय का कप टेबल पर रखा, तभी यूवी आकर उसके पास बैठ गया। विशु ने बिना कुछ कहे यूवी को चाय का कप थमाया तो यूवी ने पूछा, विशु क्या सोच रही है? विशु का मुंह बन गया। उसने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, ओफो यूवी, एक परेशानी हो तो सोचू ना। उसके हरकत पर यूवी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो चाय पीते हुए बोला, हाँ तो बता क्या क्या परेशानी है। विशु के चेहरे पर अब उदासी आ गई। उसने धीरे से कहा, पहली तो भाई और मीरू के लिए, दूसरी बुआ जी, वो बहुत सैड रहती हैं। युवी ने चाय का कप नीचे रखकर विशु का हाथ पकड़ते हुए कहा, सब ठीक हो जाएगा। विशु ने तिरछी नजर से उसे देखा। वो नाराजगी से बोली, तुम ना रहने दो, तुमने और तुम्हारे बेटे ने सबसे ज्यादा परेशान कर रखा है मुझे। युवी ने हैरानी से विशु को देखा, मेरा बेटा? तो विशु चिढ़ते हुए बोली, और नहीं तो क्या, दोनों बाप बेटे एक जैसे हो, मुझे कितना परेशान करते हो। यूवी को अब हंसी आ गई। उसने विशु को बैठे बैठे ही टाइटली हग किया। उसके बालों पर किस करते हुए उससे कहा, अरे मेरी बच्ची, तुझे मैं कभी परेशान नहीं कर सकता। विशु अब भी मुंह फुलाए हुए थी। यूवी ने उसे खुद से अलग किया और उसके माथे को चूमते हुए बोला, अच्छा सॉरी। विशु ने यूवी की आंखों में देखा, फिर उसने गाल पर उंगली रख दी। उसकी हरकत के बारे में यूवी अच्छे से जानता था, तो उसने उसके गालों को एक एक करके चूम लिया। फिर यूवी ने धीरे से विशु के होठों को अपने होठों से छुआ और उससे दूर हो गया। तो विशु ने मुस्कुराते हुए यूवी को हग कर लिया। तभी विराज चिल्लाते हुए आया, पाप्श, पाप्श, और सीधा आकर भागते हुए यूवी की गोद में जाकर बैठा। विशु को यूवी से अलग होना पड़ा तो वो विराज को देखने लगी, पाप्श, आपने आज सुबह से मुझे हगी नहीं की, विराज बोला। विशु तिरछी नजरों से उसे देख रही थी। यूवी को हंसी आने लगी। उसने विराज और विशु को एक साथ हग कर लिया। थोड़ी देर बाद मीरा अपने घर आई। वहां कुछ घंटे रुककर वो वापस खन्ना हाउस आने लगी। तभी हॉल में बैठे सिम्मी जी और शारदा जी बात कर रहे थे। माँ, नील को देखिए ना, कितना शांत रहने लगा है, सिम्मी जी नील के बारे में सोचते हुए बोली। शारदा जी उनकी बात सुनकर कुछ सोच कर बोली, तू तो जानती है नील के लिए वो घड़ी सबसे मुश्किल थी जब मीरू उसे भूल गई थी, पर उसने तब भी यही कहा था कि वो ठीक है तो सब ठीक है। उसे सबसे ज्यादा परवाह मीरा के ठीक होने की थी। सिम्मी जी बोली, हाँ मैं जानती हूँ और ये भी जानती हूँ कि हमारा नील मीरू के साथ ही सबसे ज्यादा खुश होता है, पर अब तो। बोलते बोलते सिम्मी जी रुक गई तो उनके चेहरे पर एक उदासी छा गई। तभी मीरा अंदर आई। उसे देखते ही वो दोनों चुप हो गई। हालांकि उनकी बात मीरा सुन चुकी थी। वो उन दोनों को देखते हुए मुस्कुराकर अपने कमरे की ओर बढ़ गई, पर अब भी उसके दिमाग में वही सारी बातें घूम रही थी। वो कमरे में आई तो देखा नील मीरा की दवाइयां देख रहा था। उसने सारी दवाइयां ड्रॉअर में डाली। तभी उसकी नजर मीरा पर पड़ी और उसकी नजर खुद पर देखकर वो वहीं से बोला, क्या हुआ? मीरा बिना कुछ कहे अंदर आ गई। उसे बहुत अजीब सा एहसास हो रहा था। उसके दिमाग में बार बार सिम्मी जी और शारदा जी की बातें घूम रही थी। वो एक नजर नील की ओर देखकर बेड पर बैठ गई। नील समझ गया कि मीरा परेशान हो रही थी। उसने पानी का ग्लास उठाया और उसकी तरफ बढ़ गया, फिर उससे थोड़ी दूरी बनाकर बैठते हुए पानी का ग्लास उसकी ओर बढ़ा दिया और उससे कहा, जो भी परेशानी है तुम मुझे बता सकती हो। मीरा ने नील की ओर देखा। तभी नील ने अपनी बात पूरी की, अगर तुम चाहो तो। उसकी बात सुनकर मीरा की नजरें उस पर ही ठहर गईं। उसने अब नील के हाथ से पानी का ग्लास लिया और एक बार में ही पूरा पानी पी लिया। नील मीरा को देख रहा था। मीरा पानी का ग्लास पकड़ते हुए वापस नील की ओर देखने लगी। उसके मन में अब भी वही बातें घूम रही थी, मेरे और तुम्हारे बीच में क्या था, क्या मैं और तुम सच में इतने क्लोज थे, मीरा ने सवाल किया। उसके सवालों को सुनकर नील को मीरा के साथ बिताए पल याद आने लगे। उसने मीरा की ओर देखा और कहा, मैं और तुम, हमारे बीच मैं और तुम जैसा कुछ था ही नहीं। मीरा सवालिया निगाहों से नील को देखने लगी।
नील ने एक ठंडी सी आवाज में कहा, मेरे और तुम्हारे बीच का रिश्ता बस इतना था कि हमें एक दूसरे को समझने के लिए कुछ कहना नहीं पड़ता था। मीरा नील को देख रही थी, उसकी बातें सुनकर उसके धड़कनें बढ़ चुकी थी। तभी नील फिर बोला, सब कुछ याद आ जाएगा, बस तुम परेशान मत हो। नील का ये कहना मीरा को बहुत अच्छा लगा। उसने फिर एक धीमी सी आवाज में कहा, थैंक यू, तुम बहुत अंडरस्टैंडिंग हो। मीरा की बातें सुनकर नील उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, तुम्हें परेशान नहीं देख सकता, मुझसे दूर हो पर मेरी नजरों के सामने हो, इतना बहुत है। तो नील बोलते बोलते रुका तो मीरा आंखें बड़ी बड़ी किए उसे ही देख रही थी। तभी नील हल्का मुस्कुराते हुए बोला, तो तुम हमेशा ऐसे ही मेरी आंखों के सामने रहो। ओह अच्छा, मीरा ने एक राहत की सांस ली। नील उसकी बांह पकड़कर उसे अपनी ओर खींचते हुए हल्का सा हंसते हुए बोला, तुम्हें क्या लगा। मीरा की नजरें उसकी सांसें नील को देखते हुए थम गई थी। नील ने उसका हाथ छोड़ा, वो अब भी मुस्कुराते हुए ही बोला, माय सिली गर्ल। इतना कहकर नील ने धीरे से मीरा की नोज को टच किया। इस स्पर्श से मीरा एकदम शांत पड़ चुकी थी। लगभग एक मिनट बाद जब नील कमरे से चला गया, तब मीरा उसके स्पर्श उसके एहसासों से बाहर आई। उसका दिल अब भी जोरों से धड़क रहा था। उसने अपने धड़कते दिल पर हाथ रखा और नील की बातें सोचकर मीरा अपने आप में बोली, ये स्माइल करते हुए कितना अच्छा लगता है। दूसरी तरफ आशी अभी भी मुंबई में ही थी। उसका काम यहाँ बहुत अच्छा चल रहा था और खुरानाज और खन्नाज के साथ कॉन्ट्रैक्ट के कारण भी वो जा नहीं पा रही थी। सुबह के 6 बज रहे थे। मीरा आराम से बेड पर सोई हुई थी, तभी वॉशरूम का दरवाजा खुला। नील बाहर आया और रेडी हुआ। फिर उसने मिरर से ही सोती हुई मीरा को देखकर मन में कहा, मैंने जाना कैंसिल कर दिया था पर अब जाना पड़ेगा, लेकिन तुम्हें साथ नहीं ले जा सकता। वो बेड के पास आया और मीरा के पास बैठ गया। सोती हुई मीरा को देखते हुए नील के चेहरे पर सुकून आ गया। उसने झुककर उसके माथे पर किस किया। वाइफी, आई नो हमारे बीच सब ठीक है पर बहुत कुछ मिसिंग है। मीरा को देखते हुए नील ने बहुत ही धीमी सी आवाज में कहा। उसके लिए जाना मुश्किल था पर नील अपने काम को भी नहीं छोड़ सकता था। एक गहरी सांस लेते हुए वो उठा और कमरे से बाहर निकल गया। नीचे आकर नील ने देखा तो सिमी जी किचन में थी। वो उनके पास आया। नील को रेडी देखकर सिमी जी ने पूछा, नील इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहा है। मॉम दिल्ली जाना है, अर्जेंट काम है, कल तक आ जाऊंगा। नील ने उनकी बात का जवाब दिया। सिमी जी बोली, अच्छा ब्रेकफास्ट तो कर ले। नहीं मॉम अभी जाना है। नील इतना कहकर वहां से निकल गया। 7 बजे जब मीरा की आंख खुली, उसे कमरे में एक खाली पंसा लगा। उसकी नजरें नील को तलाश रही थी पर नील कहीं नहीं था। वो उठकर फ्रेश होने चली गई। कुछ देर बाद जब मीरा नीचे आई, तब भी उसे नील कहीं नहीं दिख रहा था, जिससे उसका चेहरा उतर गया। मीरा को खुद में एहसास नहीं था कि वो इस वक्त नील को अपनी आंखों के सामने चाहती थी। आज का पूरा दिन बहुत मुश्किल से बीता। बार बार मीरा की आंखों के सामने नील का चेहरा आ रहा था तो उसने अपना सर पकड़ लिया। ओहो मीरू, पागल हो गई है क्या, एक इंसान को इतना मिस कर रही है, मीरा बोली। फिर कुछ सोचकर एकदम चिढ़ते हुए बोली, और वो अकड़ू को देखो कैसे बिना मुझे बताए चला गया। ऐसे थोड़ी होता है, मैं वाइफ हूँ उसकी, वो मुझे बिना बताए कैसे जा सकता है। आने दो से तब बताती हूँ। बाबा जी देख लेना, मैंने ना अब बात ही नहीं करनी इससे, मीरा अपने आप में ही बड़बड़ाए जा रही थी। नील के ऐसे बिना बताए चले जाने से वो उससे गुस्सा थी, जो उसकी बातों से साफ छलक रहा था। दूसरी तरफ नील काम में बिजी था। उसका काम लगभग 2-3 दिन से ज्यादा का था पर वो जल्द से जल्द घर जाना चाहता था, इसलिए फार्म हाउस में आकर भी वो अपना काम करता रहा। इधर अपने कमरे में बैठी बुआ जी कुछ सोच रही थी, तभी युवी उनके पास आया। वो वहां उनके पास बैठते हुए बोला, बुआ दादी आप परेशान क्यों हो, हम सब है ना। पुत्र कुछ नहीं हुआ, मैं तो बस सोने जा रही थी, बुआ जी ने बात टाल दी। युवी बोला, आप
बिल्कुल परेशान मत होइए, हम सब हैं आपके साथ। वीरजी ने कहा है, वो और परजाई जी आपसे मिलने आ रहे हैं। यूवी के ये बात सुनकर बुआ जी खुश हो गई। दूसरी तरफ अगली सुबह जब मीरा उठी तो नील अब भी उसके आंखों के सामने नहीं था। ये देख उसका मुंह लटक गया। ब्रेकफास्ट के टाइम सबने फील किया कि मीरा आज थोड़ी उदास लग रही थी। उसके चेहरे पर आई उदासी को देख संजीव जी जरा शायराना अंदाज में बोले, मासूम से चेहरे पर हंसी अच्छी लगती है, तुम्हारे प्यारे से चेहरे पर मुस्कान ज्यादा खिलती है। उनकी बात सुनते ही मीरा खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसे हंसता देखकर सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। तुसी ग्रेट हो पापा जी, मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा। दोपहर हो गई, नील नहीं आया था और मीरा घर पर बैठे बैठे बोर हो रही थी तो वो मार्केट चली गई। उसने आते ही सबसे पहले गोलगप्पे खाए और ये खाने के बाद उसका मूड काफी हद तक ठीक हो चुका था। वो अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ी कि तभी मीरा की नजर दूर खड़े एक आइसक्रीम वाले पर पड़ी तो वो उस तरफ बढ़ने लगी। मीरा उस तरफ बढ़ी ही थी कि तभी उसके पीछे एक गाड़ी आने लगी जिस पर उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। वो आगे बढ़ती रही और वो गाड़ी उसके काफी करीब जा रही थी, तभी किसी ने उसका हाथ पकड़कर एक तरफ खींच लिया। वो गाड़ी आगे निकल गई पर मीरा के चेहरे पर डर आ गया। उसने अब एक राहत की सांस ली और अपने सामने देखा तो उसे बचाने वाली वो लड़की जमीन पर गिर चुकी थी और उसके सर पर चोट आ गई थी जिससे काफी खून निकल रहा था। ये देखकर मीरा घबरा गई। वो झुककर उस लड़की के पास बैठी पर उसकी आंख बंद होने लगी जिससे मीरा के चेहरे पर डर बढ़ गया। मीरा ने उस लड़की को देखा तो भागकर अपनी गाड़ी से पानी की बोतल लेकर आई। उसने पानी की कुछ बूंदें उस लड़की के चेहरे पर छिड़की जिससे कुछ देर में ही उसकी आंखें खुलने लगी। मीरा ने उसे उठने में मदद की। तुम ठीक हो? मीरा ने परेशान होकर पूछा पर वो कुछ नहीं बोली, बस एक टक मीरा को देखती रही। है, तुम ठीक हो? मीरा ने फिर कहा पर वो अब भी कुछ नहीं बोली तो मीरा को लगा शायद वो अनजान होने के कारण ऐसा कर रही होगी। उसने उस लड़की की ओर देखकर कहा, मैं मीरा हूँ, तुम्हारा नाम क्या है? मीरा के सवाल के बाद भी जब वो कुछ नहीं बोली तो मीरा ने फिर अपना सवाल दोहराया, तुम्हारा नाम क्या है? जानवी। सामने खड़ी जानवी ने अटकते अटकते कहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मीरा उसे पहचान क्यों नहीं रही। मीरा ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ लाकर कार में बिठा दिया। शाम हो गई थी, मीरा अब तक आई नहीं थी। शारदा जी और सिम्मी जी हॉल में बैठी हुई उसका इंतजार कर रही थी। तभी दरवाजे पर नजर पड़ते ही शारदा जी के चेहरे पर हैरानी भरे भाव आ गए। सिम्मी जी का भी यही हाल हुआ। जानवी मीरा के साथ थी और उसके सर पर पट्टी लगी हुई थी। शारदा जी और सिम्मी जी तुरंत वहां दरवाजे पर आ गई। ये यहाँ? शारदा जी के मुंह से इतना निकला कि मीरा ने उनकी ओर देखकर पूछा, आप जानती हैं इसे? नहीं, तुम्हारे साथ है तो तुम बताओ कौन है ये? नील को देखकर मीरा एक टक उसे ही देखने लगी। जानवी हैरानी से नील को देख रही थी, वो उसे पहचानने तक से इनकार कर रहा था। मीरा को अब ध्यान आया कि नील बिना बताए गया था तो उसने उसकी ओर से मुंह हटाकर कहा, वो मैं बाहर गई थी तो वो एक्सीडेंट। आखिर जानवी ने मीरा को क्यों बचाया और कौन था वो जो उसका पीछा कर रहा था? जाने के लिए सुनते रहिए अनवांटेड मैरिज सिर्फ पॉकेट एफएम पर। इतना सुनते ही सब घबरा गए। नील मीरा को देखने लगा पर वो ठीक थी, ये देखकर उसे तसल्ली हुई। तुम्हें कहा था ना मैंने कि अकेले कहीं मत जाना, नील सख्त सी आवाज में बोला। मीरू तो ठीक है ना बच्चा? जानवी बस सबको देखकर समझने की कोशिश कर रही थी। मम्मी जी मैं ठीक हूँ, वो तो जानवी ने आकर मुझे बचा लिया, बेचारी को बहुत चोट लगी है, मीरा ने अफसोस जताते हुए कहा। उसकी बात सुनकर सब हैरान थे। नील ने एक नजर जानवी को देखा कि तभी मीरा बोली, वो ये ना एक अनाथालय की मैनेजर है और वही रहती है, तो इसलिए मैं इसे घर ले आई ताकि ये जल्दी ठीक हो जाए। आप लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? सिम्मी जी और शारदा जी
नील की ओर देखने लगी कि नील शांत सी आवाज में बोला, नहीं है कोई प्रॉब्लम। फिर सिम्मी जी की ओर देखकर उसने कहा, मॉम गेस्ट के लिए गेस्ट रूम रेडी करवा दीजिए। जानवी ने कुछ नहीं कहा, वो बस शांत होकर सब देख रही थी। सिम्मी जी और शारदा जी जा चुके थे। नील ने अब मीरा की ओर देखते हुए ही जानवी से कहा, थैंक यू, आज आपने जाने अनजाने में बहुत बड़ी मदद की है मेरी, मेरी वाइफ को सेव करने के लिए थैंक यू। नील का यूं अनजानों सा व्यवहार करना जानवी को चुभ रहा था। उसने कुछ कहना चाहा, तभी नील ने मीरा से कहा, तुम ठीक हो ना, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? मीरा ने बिना कुछ कहे ना में गर्दन हिला दिया। वो जानवी की ओर देखने लगी, तुम चलो ना, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देती हूँ, फिर तुम आराम कर लेना। जानवी को लेकर मीरा वहां से चली गई। नील जाते हुए मीरा को देखता रहा। उसने एक गहरी सांस ली और अपने कमरे की ओर बढ़ गया। कुछ देर बाद जब मीरा कमरे में आई तो देखा नील काउच से सर लगाकर आंखें बंद किए हुए बैठा था और अपना हाथ अपने सर पर रखा था। नील को देखकर मीरा का मुंह बन गया। वो जानबूझकर तेज कदमों से अंदर आने लगी। नील ने अपनी आंखें खोलकर मीरा को देखा तो उठकर खड़ा हुआ, पर मीरा उसे इग्नोर करके वॉशरूम की तरफ जाने लगी। तुम ठीक हो ना, चोट तो नहीं लगी ना तुम्हें? नील ने पूछा। मीरा के कदम रुक गए। उसने नील को देखा, फिर उसका नील का जाना याद आ गया तो उसने चिढ़ कर कहा, तुम्हें क्या पड़ी है मेरी? नील को मीरा का बिहेवियर अजीब लगा। आज वो लगभग 2 दिन बाद मीरा को देख रहा था, पर आज भी वही बेरुखी। मीरा से अब बर्दाश्त नहीं हुआ, वो नाराजगी भरे आवाज में बोली, तुम मुझे बताकर भी तो जा सकते थे, लेकिन नहीं, ऐसे गायब हो गए। नील ने जब ये सुना तो वो और गौर से मीरा को देखने लगा। क्या है, घूर क्यों रहे हो? नील को खुद को देखता पाकर मीरा ने चिढ़कर कहा। नील उसे देखते हुए ही धीरे से बोला, क्यों, तुम मिस कर रही थी मुझे? उसकी बात सुनते ही मीरा का दिल धड़क उठा। वो चुप हो गई। नील को मिस तो वो कर रही थी, पर ये कहना मुश्किल था। वो मुझे पता नहीं था कि तुम कब गए, तो बस इसीलिए, मीरा ने बात संभालते हुए कहा। नील उसे देखता रहा। वही मीरा की नजरें उस पर ही थी। वो इस वक्त वही नील के सामने रहना चाहती थी, पर सिचुएशन ऑकवर्ड होने लगी थी। मैं आती हूँ, मीरा ने कहा। कि तभी नील शांत सी आवाज में बोला, इतना मुश्किल नहीं है आई मिस यू बोलना। मीरा की सांसें एक पल को थम गई। उसने अपनी नजरें नील के चेहरे पर टिका दी। मैं क्यों मिस करूंगी तुम्हें? मीरा ने हड़बड़ाते हुए कहा। मेरी मीरा एक दिन भी मुझसे दूर नहीं रह पाती थी, मीरा की आंखों में झांकते हुए नील ने कहा। मीरा नील को देख रही थी, सच ही तो था, वो इतने वक्त में नील को बहुत याद कर रही थी। मीरा ने नील को देखते हुए नाराज होकर कहा, हाँ तो इतनी देर से क्यों आए, पता भी है कितना ज्यादा वक्त लगाया? 36 घंटे 33 मिनट 24 सेकंड, नील ने बिना किसी भाव के कहा। मीरा की आंखें हैरानी से फैल गईं। नील को एक एक वक्त का हिसाब था। नील के भावहीन चेहरे को देखकर मीरा ने धीरे से कहा, मैं सच में तुम्हें बहुत मिस कर रही थी। इतना कहकर मीरा ने नील को हग कर लिया। मीरा हाइट से उससे छोटी थी, जिससे हमेशा की तरह उसका सर नील के सीने से लगा हुआ था और उसके हाथ नील के पीठ पर थे। मीरा का स्पर्श आज इतने समय बाद नील ने महसूस किया था और वो आज खुद से ही नील के गले लगी थी। नील ने अपनी आंखें मूंद ली। उसने अपने हाथ मीरा की पीठ पर कस दिए। नील के हाथों के स्पर्श से मीरा ने उसकी पीठ पर अपने हाथ थोड़े ढीले किए और वो नील से दूर होने लगी कि तभी नील ने एक गहराई हुई आवाज में कहा, बस थोड़ी देर और प्लीज। मीरा की धड़कन तेज चल रही थी। उसने नील के सीने से सर लगाए ही अपनी आंखें मूंद ली। दोनों शांत होकर एक दूसरे के गले लगे हुए थे। आज इतने वक्त बाद नील एक सुकून महसूस कर रहा था। नील ने मीरा की पीठ पर रखे अपने हाथ को ढीला किया तो मीरा तुरंत उससे दूर हो गई। उसे अजीब सा फील हो रहा था, इसलिए उसने नजरें झुका ली।
उसे इस तरह देख नील ने शांत भाव से कहा, तुम अकेले क्यों गई थी? तुम्हें लगी तो नहीं? और अरे यार सांस तो ले लो, नील की बात काटते हुए मीरा ने कहा। नील जैसे ही चुप हुआ मीरा फिर बोली, मैं बस बाहर गई थी और मैं ठीक हूँ। नील ने कुछ नहीं कहा, मीरा भी चुप हो गई। उसे अब एहसास हुआ कि उसने नील से कह दिया कि वो मिस कर रही थी। नील ने मीरा के चेहरे पर आए उलझन भरे भाव देखकर कहा, तुम कुछ कहना चाहती हो? मीरा फिर नील को देखने लगी, कैसे ये हर बार मेरे मन की बात जान लेता है? मीरा बोली, मैं वो जानवी, मतलब मैं उसे ले आई, तुम्हें कोई बात बदल रही हो? नील ने मीरा की आंखों में देखते हुए कहा। मीरा इधर उधर देखने लगी। नील उसे ऐसे देखकर बोला, तुम श्योर हो उसने तुम्हें बचाया था? मीरा ने हाँ में सर हिलाया तो नील शांत हो गया। नील अब एक ठंडी सांस छोड़ते हुए वर्करूम की तरफ बढ़ने लगा। तभी मीरा की आवाज उसके कानों में पड़ी, तुम्हारे लिए कॉफी बना दूं? नील के कदम रुक गए। उसने पलटकर मीरा की ओर देखा तो वो उसे ही देख रही थी। नील मीरा के करीब कदम बढ़ाने लगा। वहीं दोनों के बीच कुछ कदमों का ही फासला था। उसे अपनी ओर आते देखकर मीरा अपने कदम पीछे लेने लगी। नील के इतना करीब होने से उसकी धड़कन बढ़ रही थी, पर नील रुक नहीं रहा था। मीरा ने अटकते हुए कहा, तुम ये क्या कर रहे हो? वो अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही नील बोल पड़ा, थैंक यू। मीरा शांत पड़ गई और नील की ओर देखने लगी। क्यों? मीरा ने हिचकिचाकर पूछा। बस ऐसे ही, नील ने कहा। तो मीरा ने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया कि तभी नील बोल पड़ा, अब कुछ भी काम हो या कहीं भी जाना हो तुम मेरे साथ जाओगी। नील की बात से मीरा चिढ़ गई और उसे घूरते हुए बाहर चली गई। जाती हुई मीरा को देखकर नील ने एक ठंडी सांस छोड़ी। आज दोनों के बीच कुछ तो नॉर्मल था। नील जानता था कि वो मीरा के बिना नहीं रह पाएगा, पर जाना जरूरी था और इस वक्त वो उसे साथ नहीं ले जा सकता था। पर मीरा ने ये बात एक्सेप्ट कर ली कि वो उसे मिस कर रही थी। नील ने कुछ सोचकर किसी को कॉल किया और उससे कुछ कहकर कुछ देर बाद फोन रख दिया। जानवी गेस्ट रूम में बेड पर बैठी हुई थी। नील और बाकी सबका बिहेवियर देखकर वो अब भी कंफ्यूजन में थी। तभी उसके कमरे का दरवाजा नॉक हुआ। उसने देखा तो दहलीज पर नील था। नील को देखते ही जानवी उठकर खड़ी हो गई। नील अंदर आया, उसने जैसे ही कुछ कहने के लिए होंठ खोले कि तभी नील सख्त सी आवाज में बोला, क्या है ये सब? तूने यहाँ आने के लिए ये सब किया ना? नील, मैंने यहाँ आने के लिए कुछ नहीं किया। मैं मार्केट में थी और तभी मैंने देखा कि मीरा का एक्सीडेंट होने वाला था, तो इसलिए मैंने बस उसकी हेल्प की, जानवी ने कहा। उसकी बात सुनकर नील उसे सुनाते हुए बोला, रियली? तूने उसे बचाया? जिसकी जान लेने की कोशिश तूने खुद की थी। ये एक्सक्यूज ना अपने पास रखो। यहाँ तू है क्योंकि मेरी वाइफ अपनी पुरानी यादें भूल चुकी है और मैं नहीं चाहता कि उसे कुछ बुरा याद रहे। सो बी इन योर लिमिट्स, उसे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। जानवी हैरान नजरों से नील को देखने लगी। उसने जैसे ही कुछ कहना चाहा कि नील फिर बोला, जाने अनजाने में आज तूने बहुत बड़ी हेल्प की है मेरी, तो जब तक तू ठीक नहीं हो जाती रह सकती है यहाँ पर, लेकिन उसके बाद हमारी लाइफ में आने का सोचना भी मत। नील इतना कहकर वहां से चला गया। जानवी उसे बस जाते हुए देखती रही। नील के जाने के कुछ देर बाद ही सिम्मी जी वहां आई। उन्हें देखते ही जानवी को वो दिन याद आ गया जब उसने सिम्मी जी के खिलाफ इतना कुछ कहा तो नील ने उसे थप्पड़ जड़ दिया था। तभी जानवी ने सिम्मी जी की ओर देखा तो सिम्मी जी बोली, तुम्हें मुझसे जो नाराजगी थी उसका बदला मेरे बच्चों से मत लेना। मेरा नील पहले ही बहुत परेशान है, उसे और परेशान मत करना। इतना कहकर सिम्मी जी ने हाथ जोड़ दिए। वो कुछ ही पलों बाद वहां से चली गई। जानवी एकदम शांति से उन्हें जाते हुए देख रही थी। रात को डिनर के बाद नील आकर गार्डन में बैठ गया। वो एक टक खुले आसमान में देख रहा था। तभी मीरा के बारे में सोचते हुए नील की आंखों में नमी तैर आई। बाबा जी बस करो ना, अब
हर बार मैं ही क्यों, नहीं हो रहा है मुझसे। कितना कंट्रोल करूं मैं अपने इमोशंस को, मैं नहीं रह पाता तुम्हारे बिना। तुम्हारे सामने नील अलग होता है और इतना कुछ तो बुरा हो चुका है, अब नहीं हो रहा मुझसे। तुम जब मेरे पास होती थी तो मुझे किसी की जरूरत नहीं थी, पर आज तुम मेरे साथ होकर भी मेरे साथ नहीं हो। उसके लिए खुद को संभाले रखना अब मुश्किल होता जा रहा था। डेढ़ महीना हो गया पर अब तक सब वैसा है, कुछ याद नहीं आ रहा। आई नो जो हुआ उसके बाद उसे संभालना मुश्किल था मेरे लिए, पर अब मैं खुद को नहीं संभाल पा रहा, नील ने एक गहरी सांस लेकर कहा। फिर उसने आगे कहा, बाबा जी क्यों कर रहे हो, अब बस करो। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे बताऊंगा उसे। How could I tell her? We lost our first child. एक कोने में खड़ी जानवी ने जब ये सुना तो हैरानी से उसकी आंखें फैल गईं। अचानक उसे याद आया कि नील ने उस दिन कहा था कि उसकी वजह से उसने जो खोया है उसके लिए वो कभी उसे माफ नहीं करेगा। अब इस बात का मतलब वो समझ पा रही थी, तो उसकी आंखों में नमी आ गई। दबे पांव जानवी वहां से चली गई। नील अब भी वहां बैठा हुआ था। जानवी जब कमरे में आई तो देखा मीरा वही थी। उसे देखकर उसने अपनी नमी छुपा ली। मीरा ने जानवी को देखकर कहा, मैंने तुम्हारी दवाइयां और दूध रख दिया है, तुम ले लेना और तुम प्लीज रेस्ट करो। जानवी ने बिना कुछ कहे हाँ में सिर हिला दिया। मीरा वहां से निकली, उसे अब सहसा ही ध्यान आया कि नील कमरे में नहीं था, तो वो कुछ सोचकर घर से बाहर निकली। जानवी ने मीरा के जाते ही दरवाजा बंद कर लिया। नील की बातें अब भी उसके कानों में गूंज रही थी। नील उससे इतना ज्यादा प्यार करता है, वो कितना आगे बढ़ चुका है कि उस मीरा के बिना वो इतना अकेला है। उस एक्सीडेंट में मीरा और नील ने अपना पहला बच्चा खो दिया। ओह गॉड, जानवी अपने आप में ही बोली। मीरा बाहर आई तो देखा नील वही एक बेंच पर बैठा हुआ था, तो मीरा जाने लगी कि तभी नील की आवाज आई, सुनो। नील के इतना कहते ही मीरा के कदम रुक गए। उसने पलटकर नील की तरफ देखा तो नील उसकी ओर देखकर बोला, थोड़ी देर साथ बैठ भी नहीं सकती। मीरा के दिल की धड़कनें बढ़ गईं। वो एक टक नील के चेहरे को देखने लगी। क्या जानवी बदल गई थी या फिर दिखावा कर रही थी? और क्या होगा जब मीरा को सच्चाई पता लगेगी? जानने के लिए सुनते रहिए अनवांटेड मैरिज सिर्फ पॉकेट एफएम पर। नील की बात सुनकर मीरा की धड़कनें बढ़ गईं। वो अब भी वहीं खड़ी थी तो नील एक दर्द भरी मुस्कुराहट लिए चांद को देखते हुए बोला, तुम चलो मैं आता हूँ थोड़ी देर में। मीरा ने आहिस्ता से अपने कदम बढ़ाए। वो नील के पास आकर बेंच पर थोड़ी दूरी बनाकर बैठ गई। नील महसूस कर पा रहा था कि मीरा उसके पास बैठी हुई थी, फिर भी वो खुले आसमान की ओर देखता रहा। मीरा नील की ओर देखकर धीरे से बोली, तुम सोते नहीं हो क्या? आंखें देखो कैसी हो गई हैं। नील ने जैसे ही मीरा की बात सुनी तो वो उसकी ओर देखने लगा। आज कितने वक्त बाद उसकी आंखों में वही परवाह, वही फिक्र झलक रही थी। उसने अपनी नजरें दूसरी ओर करते हुए कहा, दवाइयां ली तुमने? मीरा ने जवाब दिया। दोनों के दरमियान फिर से खामोशी ने जगह बना ली। कुछ मिनटों बाद नील ने पलटकर मीरा की ओर देखा तो पाया कि वो खामोशी से चांद की ओर देख रही थी, तो वो शांत से लहजे में बोला, तुम जाओ सो जाओ। मीरा के कानों में जब नील की आवाज पड़ी तो उसने गर्दन घुमाकर नील को देखा, फिर सामने देखते हुए बोली, क्यों मेरे यहाँ होने से प्रॉब्लम है तुम्हें? नील चुप हो गया। मीरा भी अब खामोश हो गई। उसने नील के एक्सप्रेशनलेस फेस को देखकर कहा, तुम जानते हो तुम्हारे ये एक्सप्रेशनलेस फेस को देखकर मैं समझ नहीं पाती हूँ कि तुम क्या हो। नील ने मीरा की ओर देखा। ये वही मीरा थी जो उसके बिना कुछ कहे भी उसे समझ जाती थी। मीरा की आंखों में झांकते हुए नील ने आहिस्ता से कहा, तुम्हें क्या लगता है कैसा हूँ मैं? मीरा चुप हो गई। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या कहेगी। उसने नजरें इधर उधर करते हुए कहा, मुझे कैसे पता होगा?
उसने बात टालने की कोशिश करी, पर तभी नील सर्द सी आवाज में बोला, 2 महीनों में कुछ भी फील नहीं हुआ। नील की बात सुनकर मीरा की सांसें थम गईं। उसने नील की ओर देखा, पर वो चाह कर भी उससे नजरें नहीं मिला पा रही थी। वो वहां से उठकर खड़ी हो गई, क्योंकि बोलने के लिए उसके पास कुछ था ही नहीं। उसने वहां से जाते हुए कहा, मुझे नींद आ रही है, गुड नाइट। मीरा वहां से तेज कदमों से घर की तरफ बढ़ गई। नील उसे जाते हुए देखता रहा, पर उसने कुछ भी नहीं कहा। वो बस जाती हुई मीरा को देखकर मन में बोला, वाइफी, नाउ आई कैंट कंट्रोल। मीरा तेज कदमों से चलते हुए अपने कमरे में आ गई। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था और वो उसे काबू करने की कोशिश करने लगी। ये क्या है इसके अंदर? ये जब भी कुछ कहता है, मेरा दिल इतने जोर से धड़कने लगता है जैसे अभी ही बाहर आ जाएगा, मीरा अपने आप में ही बोली। उसने अपनी आंखें मूंद ली। उसे नील का खुद का ध्यान रखना याद आने लगा, तो उसने तुरंत अपनी आंखें खोल दी। उसका दिल अब भी जोरों से धड़क रहा था। वो जल्दी से आकर बेड पर लेट गई। मीरा अपने आप में ही सिमटती जा रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसका दिल नील के एहसास से इतनी जोर से क्यों धड़क रहा था। उसने अपने सामने रखे पिलो को देखा। ये वही पिलो था जिसे लेकर नील सोता था। उसने वो पिलो पकड़कर उसे कसकर हक कर लिया। इस पिलो से भी अभी उसे नील की खुशबू आ रही थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। इस वक्त मीरा को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो नील की बाहों में थी, जिससे कुछ ही देर में उसकी आंख लग गई। नील जब कमरे में आया तो देखा कि मीरा उसके पिलो को हक करके सो रही थी। ये देखकर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। वो आहिस्ता कदमों से बेड की तरफ बढ़ गया। बेड के पास आकर नील ने मीरा को देखकर हल्का सा झुककर उसके माथे पर किस कर लिया। नील उठा और बहुत ही धीरे से मीरा के सर के नीचे से पिलो हटाकर दूसरा पिलो लगाया और धीमी सी आवाज में बोला, गुड नाइट वाइफी। नील वो पिलो लेकर वर्क रूम की तरफ चला गया। उसके जाते ही मीरा उठकर बैठ गई। नील के होठों का स्पर्श अब भी उसे अपने माथे पर महसूस हो रहा था। आज ये स्पर्श मीरा के चेहरे पर मुस्कुराहट ले आया। उसने धीरे से अपना हाथ अपने माथे पर लगाया, पर सहसा ही मीरा एकदम शांत पड़ गई। वो वापस लेट गई। उसने अपनी आंखें मूंद ली। नील वॉक रूम में आकर सोफे पर लेट गया। मीरा का पिलो उसने अपनी चेस्ट से लगा लिया। इससे वो मीरा को अपने करीब ही महसूस कर पा रहा था। अगले दिन जब जानवी उठी तो उसके लिए ब्रेकफास्ट और दूध पहले ही उसके कमरे में रख दिया गया था। ये देखकर जानवी को वो वक्त याद आ गया जब वो इस घर में एज अ मेंबर रहती थी, पर आज वो यहाँ सिर्फ एक गेस्ट थी। ये महसूस होते ही उसकी आंखों में नमी तैर गई। नील नीचे हॉल में था तो उसने अपनी नानी माँ की ओर देखा तो उन्होंने हाँ में पलकें झपका दी। ये देखकर वो एक गहरी सांस लेकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। राजेश जी तेज कदमों से घर से बाहर निकल रहे थे, तभी विशु उनसे टकरा गई। सॉरी पापा जी, विशु ने मुंह बनाकर कहा, पर राजेश जी उसकी बात नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ने लगे। उनकी हड़बड़ाहट देखकर विशु को अजीब लगा। उसने राजेश जी को रोकते हुए कहा, पापा जी जरा रुकिए तो। उसकी बात सुनकर राजेश जी के कदम रुक गए। उनके माथे पर चिंता की लकीरें उभरने लगी। तभी विशु उनके पास आकर आंखें मटकाते हुए बोली, पापा जी क्या हुआ, आप इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हैं? राजेश जी ने हड़बड़ाते हुए ही जवाब दिया, ऑफिस जा रहा हूँ बेटा। और वो जल्दबाजी में वहां से निकल गए। विशु को कुछ समझ नहीं आया। उसने अजीब सा मुंह बनाते हुए कहा, हैं इतनी जल्दी ऑफिस? वो सोच ही रही थी कि तभी विराज उसके पास आते हुए उसका सूट खींचकर बोला, मामा मुझे पॉप्स नहीं मिल रहे, वो तले दल था। विराज की बात सुनते ही विशु ने अपना माथा पीट लिया। अरे पॉप्स के बेटे, वो नहा रहा होगा, उसने चिढ़कर कहा कि विराज उसे छोड़कर तुरंत वहां से चला गया। विशु आंखें फाड़े उसे जाते हुए देखती रह गई और वो खुद से ही बोली, ये लड़का भी ना
माँ तो दिखती ही नहीं है इसे। इतना बोलकर वो मुंह बनाए हुए किचन की तरफ चली गई। नील जब कमरे में आया तो उसके कदम दरवाजे पर ही रुक गए। लाइट येलो कलर लॉन्ग कुर्ते के साथ ग्रीन पलाजो में मीरा बहुत जंच रही थी। उसने अपने बालों को बीच की मांग में खोल रखा था और माथे पर छोटी सी येलो कलर की बिंदी लगाई हुई थी। वो इस वक्त अपने होठों पर लिपस्टिक लगा रही थी और नील एक टक वहां दरवाजे पर खड़ा होकर उसे निहार रहा था। उसके दिल की धड़कनों का शोर बढ़ गया था। मीरा वाकई बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसे देखते ही नील के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। वो धीमे धीमे कदमों से मीरा की तरफ बढ़ने लगा। मीरा ने जैसे ही लिपस्टिक नीचे रखकर सिंदूर की डिब्बी उठाई, उसकी नजर मिरर से अपने पीछे खड़े नील पर पड़ गई। नील को देखते ही उसकी सांसों की रफ्तार बढ़ गई। उसने अपनी नजरें झुका ली। मीरा के दिल का हाल नील बखूबी समझ रहा था। वो उसके और करीब आकर खड़ा हो गया। उसके हाथ से सिंदूर की डिब्बी लेते हुए धीमे से बोला, मैं आई? नील का सवाल सुनते ही मीरा की नजरें उस पर ठहर गईं। उसने धीरे से हाँ में गर्दन हिला दी। नील के चेहरे पर एक सुकून झलक आया। उसने सिंदूर निकालकर मीरा की मांग भर दी। जब से मीरा के याताश्त गई थी, आज पहली बार नील ने खुद अपने हाथों से उसकी मांग भरी थी। सिंदूर लगते ही एक पल को मीरा की आंखें बंद हो गईं। उसने आंखें खोलकर जैसे ही अपने आप को देखा तो पाया उसकी नाक पर हल्का सा सिंदूर गिरा हुआ था। मीरा ये देख रही थी तभी नील ने अपनी उंगली से वो सिंदूर पोंछकर शांत सी आवाज में उससे कहा, बहुत खूबसूरत लग रही हो। उसकी बात सुनते ही मीरा की नजरें मिरर से ही नील पर थम गईं। उसकी सांसें हलक में ही अटक चुकी थीं। वो हैरान नजरों से नील को देख रही थी, पर नील पीछे हट गया। उसके पीछे होते ही मीरा ने राहत की एक सांस ली। नील की नजरें मीरा से हट ही नहीं पा रही थीं और मीरा ये महसूस कर पा रही थी। ये आज कैसे देख रहा है? हुआ क्या है इसे? कभी कभी तो ना मैनू डर लगता है इस इंसान से भी, मीरा मन में ही बोल रही थी। वो उठकर खड़ी हुई और चुपचाप बाहर जाने लगी। तभी नील ने उसे आवाज दी, मीरा। उसकी आवाज सुनते ही मीरा के कदम रुक गए। नील के मुंह से कभी कभी ही वो अपना नाम सुनती थी, जो सुनकर उसे हमेशा ही एक अजीब सा एहसास महसूस होता था। मीरा ने पलट कर नील की तरफ देखा। उसने आईब्रो उठाकर इशारे से ही पूछा, क्या हुआ? नील ने अच्छे से उसे देखने के बाद शांत भाव से कहा, तुम मेरे लिए ब्रेकफास्ट कमरे में ही ले आओगी? मीरा को अजीब लगा, पर उसने गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ ठीक है। इतना कहकर वो जाने लगी। तभी नील फिर बोला, और सुनो? मीरा के कदम फिर रुके। उसने पलटकर नील की ओर देखा तो नील एक गहरी सांस लेकर बोला, एक कप चाय तुम खुद बनाकर ला सकती हो? नील की बात सुनकर मीरा की नजरें फिर से उसके ऊपर ठहर गईं। उसने आहिस्ता से हाँ में गर्दन हिला दी और चली गई। उसके जाते ही नील ने एक ठंडी सांस छोड़ी, क्या कर रहा हूं मैं? इतना कहकर उसने अपना सर झुका लिया, पर मीरा का ख्याल आते ही नील फिर बोला, वाइफी प्लीज, अब बस बहुत ज्यादा होता जा रहा है। तुम नजरों के सामने होकर इतना दूर हो, पर अब और नहीं। संजीव जी नीचे हॉल में बैठे हुए थे, तभी उनकी नजर गेस्ट रूम पर चली गई। जानवी के बारे में सोचकर उनके माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। वो उठने लगे कि तभी सिम्मी जी आते हुए बोली, आप बेवजह परेशान मत होइए, नील सब संभाल लेगा। इस वक्त मीरा को कुछ याद नहीं, तो हमें उसे बुरी यादें याद नहीं दिलानी। संजीव जी ने सिम्मी जी की ओर देखा, वो चुपचाप बैठ गए। तो सिम्मी जी मुस्कुराते हुए बोली, बड़ी जल्दी मान गए आप तो, आपकी बात डाली है कभी? संजीव जी ने उसकी ओर देखकर शरारती अंदाज में कहा। तो शर्मा कर सिम्मी जी ने नजरें झुकाई, जिस पर संजीव जी ने मुस्कुरा कर कहा, आपकी अदाएं आज भी वही। सिम्मी जी बोली, चुप कीजिए और लीजिए चाय पीजिए। ये कहते हुए सिम्मी जी ने चाय का कप आगे बढ़ाया कि तभी मीरा की आवाज आई, अरे मम्मी जी आप तो गलत समय पर चाय दे रही हैं। मीरा इतना बोलकर हंसने लगी।
उसे देखकर संजीव जी और सिम्मी जी भी मुस्कुरा दिए। बात तो सही है, मीरा की बात का समर्थन करते हुए संजीव जी ने कहा। तो सिम्मी जी उन्हें आंख दिखाने लगी। ये देखकर मीरा ने फिर कहा, ओहो मम्मी जी, आप तो खुलेआम डरा रही हैं पापा जी को। उसकी बात सुनकर सिम्मी जी उसे डपटते हुए बोली, बदमाश बच्ची। उनकी डांट सुनते ही मीरा खिलखिलाकर हंसते हुए वहां से चली गई। आज का दिन काफी अच्छे से बीत गया। जानवी आज भी काफी शांत ही थी। वो पूरे दिन अपने कमरे से बाहर नहीं निकली, पर अब रात को वो जब बाहर आई तो उसने देखा कि गार्डन में कोई नहीं था, तो वो टहलने लगी। तभी उसे किसी के आने की आहट सुनाई दी। वो पलटी तो देखा सामने नील था। नील तू? जानवी ने जैसे ही कुछ कहना चाहा कि नील बोल पड़ा, जस्ट शट अप, तू यहाँ तब तक ही है जब तक कि तू ठीक नहीं होती, तो बेहतर होगा कि तू अपने कमरे में ही रहे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तेरे बारे में मेरी वाइफ को कुछ भी पता चले। जानवी नील की ओर देख रही थी। उसने धीरे से कहा, नील सुन तो, तू ऐसे अजनबियों की तरह क्यों बिहेव कर रहा है? तू जानता है हम दोनों के बीच सब याद है मुझे, नील उसकी बात काटते हुए बोला। एक कोने में खड़ी मीरा ने अनजाने में ये बात सुनी तो उसके चेहरे पर एक अजीब से भाव आ गए। वो चुपचाप वहां से निकल कर चली गई। क्या करेगी मीरा? क्या वो नील और जानवी को लेकर कोई गलत फहमी पालेगी या लेगी कोई बड़ा फैसला? क्या होगा आगे, जानने के लिए सुनते रहिए अनवांटेड मैरिज सिर्फ पॉकेट एफएम पर। नील जानवी की ओर देखकर सख्त अंदाज में बोला, भूल तो शायद तू गई है, याद तो तुझे रखना चाहिए कि हमारे बीच अब कुछ नहीं है। तूने जो किया उसके बाद तुझसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है, और तू ये जानती है कि मैं तुझे अपनी लाइफ से बहुत पहले ही निकाल चुका हूँ। उसकी बातें सुनकर जानवी की आंखों में नमी आ गई। उसने नम आवाज में कहा, नील हमारी दोस्ती, वो 20 साल का रिश्ता, तो इतनी जल्दी सब भूल गया? जानवी की बात सुनकर नील मुस्कुराने लगा। उसने उसे सुनाते हुए कहा, ये रिश्तों की बातें तेरे मुंह से अच्छी नहीं लगती। एक पल शांत रहकर नील ने फिर सख्त सी आवाज में कहा, ठीक होते ही जल्द से जल्द मेरे घर से निकल जाना, यहाँ तेरी जगह सिर्फ कुछ दिनों के लिए है, गेस्ट है, गेस्ट बनकर ही रह। जानवी नील की बात सुनकर वहां से चली गई। उसकी आंखों में नमी अब भी थी। उसके जाते ही नील ऊपर देखकर बोला, आई एम सॉरी पापा जी। कुछ देर बाद जब नील अपने कमरे में आया तो वहां का नजारा देखते ही उसकी सांसें एक पल को रुक गई। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें आ गई। बेड पर रखे सूटकेस में मीरा सामान पैक कर रही थी। उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे, वो बस चुपचाप अपना सामान सूटकेस में डाल रही थी। तभी उसके कानों में नील की एक शांत सी आवाज पड़ी, ये सब क्या है? मीरा ने एक नजर नील को देखा, फिर वो दूसरी ओर देखकर बोली, मैं अपने घर जा रही हूँ। उसके इतना कहते ही नील शांत पड़ गया। उसे वो वक्त याद आने लगा जब इससे पहले अपनी फर्स्ट एनिवर्सरी के बाद मीरा नील को छोड़कर चली गई थी। ये याद आते ही नील के चेहरे पर डर उभरने लगा। मीरा वापस कबर्ड की तरफ बढ़ी कि तभी नील ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया। मीरा ने बिना पलटे ही कहा, लीव माई हैंड, जस्ट लुक एट मी। नील ने दूसरी ओर से ही कहा, पर मीरा नहीं पलटी। नील ने मीरा का हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींचा। उसकी इस हरकत पर मीरा की आंखें हैरानी से फैल गईं। वो नील के करीब थी। उसने देखा कि उसने अब भी उसका हाथ पकड़ रखा था। मीरा नील की पकड़ से आजाद होने की कोशिश करते हुए बोली, छोड़ो मुझे। पर नील पर तो मानो उसके किसी भी बात का कोई असर नहीं हो रहा था। उसके कानों में बस मीरा की कही वही बात गूंज रही थी, वो अपने घर जा रही है। नील ने मीरा का चेहरा अपने दोनों हाथों में थाम लिया और वो उसे हैरानी से देखने लगी। उसके चेहरे को थामे हुए ही नील ने परेशान सी आवाज में कहा, क्यों जा रही हो? मीरा तो बस नील के हाथ को अपने गालों पर देख रही थी। वो उससे दूर होने लगी कि नील ने उसका चेहरा एकदम अपने करीब कर लिया। दोनों की नजरें एक दूसरे से उलझी हुई थी। एक दूसरे की सांसों की तपिश
दोनों ही अपने चेहरे पर महसूस कर रहे थे। नील आहिस्ता से मीरा के गाल सहलाते हुए बहुत ही प्यार से बोला, नाराज हो मुझसे? पर मीरा ने कोई जवाब नहीं दिया। उसका जवाब ना सुनकर नील ने फिर कहा, तुम कहीं नहीं जा रही। उसने जिस तरह से कहा, मीरा को गुस्सा आ गया। वो चीखी, क्यों ना जाऊं मैं? नील के दोनों हाथ अब भी मीरा के गालों पर थे। वो उसकी आंखों में झांकते हुए ही बोला, क्योंकि मुझसे दूर जाने की इजाजत नहीं है तुम्हें। और तुम होते कौन हो मुझे खुद से बांधने वाले? मीरा ने गुस्से से कहा। उसका सवाल सुनते ही नील के चेहरे पर एक दर्द उभर आया। उसने मीरा की ओर देखते हुए ही जवाब दिया, तुम्हारा पति, और इस हकीकत को तुम झुठला नहीं सकती। मीरा एक पल को शांत पड़ गई। वो नील की ओर देखने लगी। नील से अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मीरा उसे छोड़कर जाने की बात कर रही थी। ये सोचकर ही उसे तकलीफ महसूस हो रही थी। उसने मीरा के गाल पर रखे अपने हाथ को हटाकर एक नम आवाज में उसे कहा, यार बस करो ना, बस करो अब वाइफी, नाउ आई कांट कंट्रोल, मुझसे नहीं हो रहा अब। उसकी आवाज और उसकी आंखों में दर्द देखकर मीरा कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। अचानक नील ने उसकी कमर पर हाथ रखकर अपनी ओर खींचते हुए कहा, कुछ फील नहीं होता क्या? मैं जब तुम्हें छूता हूँ, मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ, मेरी बातों से कुछ फील नहीं होता? मीरा ने कुछ नहीं कहा। उसकी चुप्पी नील को खल रही थी। उसकी आंखों में दर्द अब असहनीय थी। नील दर्द भरी आवाज में बोला, बोलो ना, 2 महीने हो गए, हर एक दिन हर एक पल मेरे साथ होना, क्या कुछ महसूस नहीं किया तुमने? मुझे भूल गई तुम, पर मेरा एहसास तो महसूस कर सकती हो ना? मत करो इतना दूर कि मेरे लिए जीना मुश्किल हो जाए। मीरा के बिना नील का कोई वजूद नहीं है। अगर मीरा साथ नहीं होगी तो नील के लिए जीना नामुमकिन सा है। नील के दर्द भरी बातें सुनकर मीरा की आंखों में नमी तैर गई। उसने खुद को नील से छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, छोड़ो मुझे। नील ने जब मीरा की ये बात सुनी तो उसने तुरंत उसे अपनी पकड़ से रिहाई दे दी। वो मुस्कुराते हुए बोला, छोड़ दिया, छोड़ ही तो रखा है 2 महीनों से। तुमसे इतना दूर हूँ, अब कितनी दूरी चाहिए? जो तुम चाहती हो वही कर रहा हूँ, नहीं आ रहा तुम्हारे करीब, फिर भी छोड़कर जाने की बात क्यों? नहीं रह सकता मैं तुम्हारे बिना। नील के आखिरी शब्दों ने मीरा की धड़कनों को बढ़ा दिया। वो उसकी ओर देखकर बोली, अच्छा तो वो जानवी कौन है? क्या है रिश्ता तुम्हारा उससे? नील हैरान था। वो हैरान नजरों से बस एक टक मीरा को ही देख रहा था। तभी मीरा ने फिर कहा, सब कहते हैं तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, तो वो कौन है? नील अब भी मीरा को देख रहा था। वो उसे किसी भी कीमत पर जानवी के बारे में नहीं बताना चाहता था। उसने एक गहराई हुई आवाज में कहा, मेरी आंखों में अपने अलावा किसी को नहीं देख सकती तुम, नील इज ओनली योर्स। मीरा बोली, मुझे सब पता है, ऐसा कुछ नहीं है। और वैसे भी कल ही मैंने देखा था, एक लेडी बीमार थी तो उसका हस्बैंड। नील ने मीरा के मुंह पर अपना हाथ रखते हुए कहा। मीरा अपनी बड़ी बड़ी पलकें झपकाते हुए उसे देखने लगी। नील के हाथ अब भी मीरा के मुंह पर ही थे। वो उसकी आंखों में देखते हुए ही बोला, चुप, अपना फालतू दिमाग मत लगाया करो, पता नहीं क्या क्या सोचती रहती हो। तुम्हें पता है तुम्हारी ना आदत है हमेशा खुद ही सब सोच लेने की, बिना कुछ बताए खुद सोच कर फैसला कर लेती हो। उसकी बात सुनकर मीरा चिढ़ गई, तुम जानते कि ना हो मुझे? तुमसे ज्यादा, जितना तुम खुद को नहीं जानती उतना मैं तुम्हें जानता हूँ, समझी तुम? नील के कहने के तरीके से मीरा की सांसें थम गईं। वो उसे देखने लगी। नील मीरा से थोड़ी दूरी बनाकर उसकी ओर बिना देखे ही बोला, मैं नहीं छूऊंगा तुम्हें, बिल्कुल करीब नहीं जाऊंगा तुम्हारे, बस मुझे छोड़कर जाने का नाम मत लेना, वरना मैं जी नहीं। नील आगे कुछ कहता उससे पहले ही मीरा ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। मीरा के हाथों की छुअन महसूस होते ही नील शांत हो गया। वो एक टक बिना पलके झपकाए उसकी ओर ही देखने लगा। मीरा ने अब महसूस किया
कि उसके हाथ नील के मुंह पर थे तो वो तुरंत अपना हाथ पीछे खींचते हुए बोली, सॉरी। उसकी हरकत पर नील के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने आहिस्ता से कहा, सुनो, मेरी आंखों में देखो। पर मीरा की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो नील से नजरें मिला पाए। उसने अब भी अपनी नजरें झुका रखी थी। मीरा? नील ने जैसे ही मीरा का नाम लिया, मीरा की नजरें उस पर चली गईं। मीरा ने नील की आंखों में देखते हुए नाराजगी भरे लहजे में कहा, तुमने मुझे कहा कि तुम नहीं जानते उसे, तो फिर आज उसे क्यों कहा कि तुम्हें सब याद है कि तुम्हारा उससे क्या रिश्ता है? उसकी आंखों में नील आज महीनों बाद वही एहसास देख रहा था जो वो हमेशा से देखता था। जलन मीरा की आंखों में साफ झलक रही थी। उसे आज भी ये बर्दाश्त नहीं था कि कोई और उसके नील के करीब रहे। मीरा की आंखों में झांकते हुए ही नील ने कहा, वो जो भी है, मेरा कोई रिश्ता नहीं है उससे। नील सिर्फ मीरा का है और ये बात वो बहुत अच्छे से जानता है। उसकी बातों ने मीरा को तसल्ली दिला दी। वो मुंह बनाकर बोली, वो लड़की अब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, सरफीरी पागल। मीरा की बात सुनकर नील के चेहरे पर हल्के से मुस्कुराहट आ गई। उसने एक राहत की सांस ली और मीरा से दूर हो गया। दोनों के बीच अब लगभग 6-7 कदम की दूरी थी जो कि मीरा बहुत गौर से देख रही थी। उसने नील की ओर देखकर अचानक से सवाल किया, तुम और मैं पति पत्नी हैं? मुझे कुछ याद नहीं, पर क्या, मेरा मतलब क्या मैं और तुम? मीरा हिचकिचाकर अब बोल नहीं पाई। नील एकदम ठंडे भाव लिए उसे देख रहा था। उसका एक्सप्रेशन देखकर मीरा को गुस्सा आने लगा तो वो चिढ़कर बोली, ओहो, ज्यादा ये साधु महात्मा तो मत बनो तुम। सब पता है मुझे, समझ तो तुम सब रहे हो, तो बताओ क्या तुम और मैं कभी मीरा फिर बोलते बोलते रुकी। नील चुप था, हालांकि वो उसकी सारी बातें बहुत अच्छे से समझ रहा था। उसने मीरा की तरफ हाथ बढ़ाया पर फिर अपने हाथ बीच में ही रोक लिए। अपने हाथ पीछे लेते हुए नील ने कहा, मैं और तुम, हमारे बीच मैं और तुम जैसा कुछ बचा था क्या? पता नहीं, बट डोंट वरी, मैंने तुमसे रिश्ता निभाया है ना कि तुम्हारी, खैर जानती हो, तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने देना चाहता क्योंकि तुम खुद भी नहीं रह पाओगी। पर अगर तुम्हें लगता है कि मेरे बिना ज्यादा खुश रहोगी तो चली जाना घर। ये आखिरी के शब्द नील ने बड़ी मुश्किल से अपने गले से निकाले थे। वो पलटकर खड़ा होकर खुद को संभालने लगा। मीरा को हॉस्पिटल से लेकर अब तक की सारी बातें याद आने लगी। नील के लिए उसके मन में एक सॉफ्ट साइड बन चुका था, पर वो उसे मान नहीं रही थी। नील का दर्द मीरा से देखा नहीं जा रहा था। वो अब अपने आप को रोक नहीं पाई। उसने भागकर पीछे से नील को हग कर लिया। मीरा के दोनों हाथ नील की चेस्ट पर कस गए थे। उसके हाथों का स्पर्श महसूस करते ही नील ने एक गहरी सांस लेकर कहा, I'm sorry, मैं तुमसे ये सब पता नहीं क्या क्या कह गया। मीरा ने नील की पीठ पर अपने हाथ कसते हुए कहा, तुम नहीं जानते मेरे, सब जानता हूँ, मैंने कहा ना, तुम्हें मैं तुमसे ज्यादा जानता हूँ, मीरा की बात काटते हुए नील ने कहा। उसकी बात सुनकर मीरा की आंखें हैरानी से फैल गईं। उसने नील को छोड़ दिया। तभी नील उसकी ओर पलटा और उससे सवाल किया, नहीं जाओगे ना? उसके सवाल का जवाब मीरा हाँ में दे ही नहीं पाई। उसने ना में गर्दन हिला दी। नील को अब एक सुकून महसूस हुआ। उसने मीरा की ओर देखते हुए उसे अपनी बाहों में उठा लिया। मीरा को अजीब सा डर लग रहा था। वो नजरें चुरा रही थी, पर नील अब भी एक टक उसे ही देखते हुए बेड की तरफ बढ़ रहा था। बेड के पास आकर नील ने मीरा को लिटा दिया। मीरा की नजरें अब नील पर थी। तभी नील ने कहना शुरू किया, जानता हूँ वक्त लगेगा तुम्हें मुझ पर भरोसा करने में, पर प्लीज आगे से कभी भी ये मत कहना कि तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी। मीरा का दिल धड़क उठा कि नील ने आहिस्ता से झुककर मीरा के माथे को पूरी शिद्दत से चूम लिया। इस एहसास से मीरा की आंखें खुद ब खुद बंद हो गई थी। नील ने जैसे ही उठकर मीरा को देखा, उसका दिल धड़क उठा। वो मीरा की बंद आंखों पर किस करने लगा, पर तभी अचानक से उसने अपने आप को रोक लिया और उठकर
मीरा से जरा दूरी बनाकर बैठ गया और चुपचाप उसके चेहरे को निहारने लगा। जब मीरा ने कुछ पल तक शांति महसूस की तो उसने आहिस्ता से अपनी आंखें खोल ली कि उसे सामने बैठा नील दिख गया। नील को देखते ही मीरा की सांसें एक पल को थम गई। वो एक टक नील की ओर देखते हुए बोली, तुम सच में बहुत अच्छे हो। जैसे ही मीरा की आवाज कानों में पड़ी, नील शांत पड़ गया। वो बिना किसी एक्सप्रेशन के मीरा को देखता रहा। उसका ये अंदाज देखकर मीरा ने धीरे से कहा, तुम मुझसे सच में इतना प्यार करते हो जितना सब कहते हैं? मीरा का ये सवाल सुनकर नील ने उसकी आंखों में देखकर शांत सी आवाज में कहा, क्यों, तुम्हें कुछ फील नहीं होता? मीरा चुप पड़ गई। वो चुपचाप नील की आंखों में देख रही थी और नील की नजरें भी उस पर ही थी। क्या जवाब देगी मीरा? और क्या मीरा ने इत्तेफाक से जानवी और नील को बात करते सुना था या ये जानवी की चाल थी? जानने के लिए सुनते रहिए अनवांटेड मैरिज सिर्फ पॉकेट एफएम पर। मीरा चुपचाप एक टक नील को देख रही थी। नील की नजरें भी मीरा पर ही थी। उसने उसके मन की बात जानने के लिए फिर से कहा, बोलो ना, क्या कुछ भी एहसास नहीं होता तुम्हें? उसकी बात सुनते ही मीरा का दिल धड़क उठा। उसके पास नील के इस सवाल का कोई जवाब था ही नहीं। शायद अभी वो उसे इस सवाल का जवाब देने के लिए तैयार नहीं थी। नील समझ चुका था कि मीरा उसे इस वक्त उसके सवालों का जवाब नहीं देगी। उसने मीरा के बालों को हल्के से सहलाते हुए कहा, सो जाओ, गुड नाइट। मीरा बस एक टक बिना कुछ कहे नील को देखने लगी। नील उठा, उसने मीरा को ब्लैंकेट से कवर करके लैंप बंद किया और चुपचाप जाने लगा। पर नील के कदम रुक गए। उसकी आंखों में नमी तैर आई। उसकी हथेली मीरा ने थाम रखी थी। नील ये महसूस कर रहा था। उसने खुद को संभाला और पलटकर मीरा की ओर देखा। वो बिना कुछ कहे उसे देख रही थी। नील ने धीरे से पूछा, कुछ चाहिए? तुम? मीरा के इतना कहते ही नील की नजरें उस पर ठहर गईं। तभी मीरा को एहसास हुआ कि उसने क्या कहा। मीरा अपनी बात पूरी करते हुए बोली, तुम यहीं सो जाओ ना। नील अब भी बिना कुछ कहे मीरा को देख रहा था। उसने आहिस्ता से मीरा से अपना हाथ छुड़वाया, लेकिन तभी मीरा ने फिर से उसका हाथ पकड़कर धीरे से कहा, तुम्हें हक करके नींद जल्दी आ जाती है। नील ने जैसे ही ये सुना, उसकी नजरें मीरा पर ठहर गईं। पहले दोनों के बीच हुई बातें, करीबी सब नील की आंखों के सामने घूमने लगी। उसने मीरा से हाथ छुड़ाया और उसे दूरी बनाकर लेट गया। नील के लिए ये सब बहुत मुश्किल होता जा रहा था। उसने मीरा की ओर पीठ कर ली और मन ही मन बोला, आज तुम चली जाती मुझे छोड़कर, वाइफी, हाउ कुड यू? तुम ये सोच भी कैसे सकती हो? नील को मीरा का बर्ताव बहुत तकलीफ दे रहा था। उसने जैसे ही अपनी आंखें बंद की, तभी मीरा ने पीछे से उसे पकड़ लिया। वो उससे आकर लिपट गई थी। उसके स्पर्श से नील पलटा तो मीरा उसके सीने से सर लगाते हुए आंख बंद कर ली। नील जानता था कि मीरा जो बोलती थी वो इसलिए क्योंकि उसे कुछ याद नहीं था, पर उसके लिए खुद को संभालना मुश्किल हो रहा था। उसने अपने सीने से लगी मीरा को देखा और उसकी पीठ पर अपने हाथ रखने लगा, पर उसके हाथ कांपने लगे। उसने अपने हाथों को पीछे खींच लिया, पर तभी मीरा ने बंद आंखों से ही कहा, यू कैन होल्ड मी, आई डोंट माइंड। उसकी आवाज सुनते ही नील ने अपने कांपते हाथों को मीरा की पीठ पर कस दिए और एकदम से उसे अपने सीने से लगा लिया। उसके हाथों के स्पर्श को महसूस करते हुए मीरा की आंख खुल गई। उसने नील की खुली आंखों में देखते हुए धीरे से कहा, गुड नाइट। इतना बोलकर मीरा नील के सीने से सर लगाकर फिर आंख मूंद कर लेट गई। अपनी आगोश में सोती मीरा को देखकर नील ने मन में कहा, तुम आज इतने पास होकर भी मुझसे इतना दूर हो कि तुमसे कुछ कहने तक से डर लगता है मुझे। अगली सुबह यूवी, विराज और विशु तीनों ही सो रहे थे, पर तभी कमरे में आती सूरज की किरणों से विशु की आंखें खुल गईं।
उसने आंखें मसली और उबासी लेते हुए उठकर बैठी। उठते ही विशु की नजरें विराज और यूवी के चेहरों पर गईं। उन्हें देखते ही विशु के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने झुककर विराज के माथे पर किस कर लिया और फिर उठी। यूवी को देखकर विशु उसके पास आई और कुछ सेकंड तक यूवी को देखने के बाद झुककर उसके होठों को चूम लिया। विशु के ऐसा करते ही यूवी की आंखें भी खुल गईं और वो झट से उससे दूर हो गई और चहकते हुए बोली, गुड मॉर्निंग। उसकी हरकत पर यूवी मुस्कुराया और विशु को अपनी ओर खींचकर उसके होठों पर एक डीप किस करते हुए बोला, गुड मॉर्निंग। विशु यूवी के बिहेवियर से शॉक थी। वो आंखें फाड़े हैरानी से यूवी को देखते हुए बोली, ये तुम ही हो ना? यूवी ने हंसकर विशु के माथे पर किस किया और उसकी ओर देखकर बोला, क्यों, हमले तू ही कर सकती है? विशु शर्मा गई। वो एकदम अलसाई हुई यूवी की गोद में बैठ गई। तभी विराज आंखें मसलते हुए उठकर बैठ गया। उसने यूवी को हक करते हुए कहा, गुड मॉर्निंग पॉप। यूवी बोला, गुड मॉर्निंग बेटा। विशु ने विराज को देखा तो वो उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, मम्मा आप हटो, बच्चा तो मैं हूं ना, मुझे पॉप की गोद में बैठना है। विशु मुंह बनाकर उठकर वॉशरूम की ओर बढ़ गई। विराज आराम से आकर यूवी की गोद में बैठ गया और यूवी विशु के बारे में सोचते हुए मुस्कुरा दिया। मीरा की जब आंख खुली तो उसने देखा कि वो अब भी नील की बाहों में ही थी। उसने सोए हुए नील को देखा तो कल रात की बातें एक बार फिर उसके दिमाग में घूमने लगी। उसने नील से दूर होने की कोशिश की पर उसके हाथ उसकी पीठ पर थे, जिससे मीरा वहीं रुक गई। वो एक टक नील की ओर देखने लगी। उसने नील के करीब आते हुए एकदम धीरे से उसके गाल को अपने होठों से छू लिया। पर जैसे ही मीरा को एहसास हुआ कि उसने क्या किया तो वो नील से दूर होकर लेट गई। कुछ देर बाद जब नील की आंखें खुलने लगी तो मीरा ने झट से अपनी आंखें मूंद ली। नील ने हल्की सी आंख खोली तो वो मीरा के चेहरे की ओर देखकर मुस्कुरा उठा। उसने आहिस्ता से मीरा की पीठ पर रखे अपने हाथ को हटाया और हल्का सा उठ गया। फिर उसने उसके चेहरे की ओर देखकर हल्का सा झुकते हुए धीरे से उसका माथा चूम लिया और उसके गाल पर हाथ रखकर धीमे से बोला, तुमने ना कल सांसें रोक दी थी मेरी, पर मैं जानता हूँ मेरी वाइफी कभी मुझसे दूर नहीं रह सकती, इसलिए मैंने तुम्हें जाने नहीं दिया और ना कभी जाने दूंगा। इतना कहकर एक बार नील ने प्यार से उसका माथा चूमा और उठकर बैठ गया और फिर उठकर वॉशरूम की ओर बढ़ गया। जैसे ही वॉशरूम का दरवाजा बंद हुआ, मीरा ने अपनी आंखें खोल ली। उसने एक गहरी सांस ली और उसके हाथ अपने आप माथे पर आ गए। नील के होठों का स्पर्श मीरा को अब भी महसूस हो रहा था। उसने धीरे से कहा, मुझे अच्छा लगता है जब तुम मेरे आस पास होते हो। अभी भी मीरा को खुद में से नील की स्मेल आ रही थी। वो अपने आप में सिमटते हुए बोली, क्या रिश्ता था तुमसे? नहीं याद है, पर तुमसे कुछ स्पेशल था। कुछ देर बाद जब नील वॉशरूम से बाहर आया तो देखा मीरा अभी भी सिमटकर बिस्तर पर लेटी हुई अपने आप में मुस्कुरा रही थी। मुस्कुराती हुई मीरा को देखकर नील के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। मेरी पंजाबी गुड़ी, आज इतने दिनों बाद ये इतनी प्यारी सी स्माइल आई है तुम्हारे फेस पर। मीरा को देखकर नील ने अपने आप में कहा और मुस्कुराते हुए ड्रेसिंग टेबल की तरफ बढ़ने लगा। नील के ख्यालों में खोई हुई मीरा की नजर जब अपने बाल सवारते नील पर पड़ी तो वो उठकर बैठ गई। नील अपने बाल ठीक करके जैसे ही परफ्यूम की बॉटल उठाने लगा, मिरर से ही उसकी नजर बेड पर बैठी उसे ही देखती मीरा पर पड़ी। उसको यूं खुद को देखता पाकर नील ने परफ्यूम उठाया और लगाने लगा। मीरा की नजरें अब भी उस पर ही थी। नील ये नोटिस कर रहा था। उसने अपने शर्ट के ऊपर के बटन्स को बंद किया और वापस मीरा की ओर आते हुए बोला, अभी कल तक छोड़ के जाने की बात कर रही थी और अब मुझसे नजरें नहीं हट रही। मीरा झेपते हुए इधर उधर देखने लगी। नील उसे देख रहा था। तभी वो उठी और वॉशरूम की ओर जाने लगी,
पर तभी नील ने उसकी कलाई पकड़ ली। नील के स्पर्श मात्र से मीरा की धड़कन बढ़ गई। उसने धीरे से कहा, मैं आती हूँ। तभी मीरा को नील ने अपनी ओर खींचते हुए अपनी बाहों में समेट लिया। नील ने मीरा की पेट पर अपने दोनों हाथों को कसते हुए धीमी सी आवाज में कहा, मुझसे दूर नहीं जाओगी, कल ही कहा था तुमने। उसकी बात सुनकर मीरा की बढ़ती सांसें और बढ़ रही थी। उसने अपनी बढ़ती सांसों को काबू में करते हुए कहा, मैं फ्रेश होने जा रही थी। उसकी बात सुनकर नील ने सर्द सी आवाज में कहा, क्या हुआ, सांसें तेज क्यों चल रही हैं तुम्हारी। मीरा के पास नील की बातों का जवाब नहीं था। उसने धीरे से अपनी आंखें मूंद ली। वो अब भी चुपचाप नील की बाहों में थी। मीरा की खामोशी नील को उससे करीब लाने लगी। वो खुद को रोक नहीं पा रहा था। उसने आहिस्ता से मीरा को अपनी ओर पलटा, पर उसकी बंद आंखों को देखते ही नील ने एक गहरी सांस ली और मीरा को छोड़ दिया। जब उसे नील की पकड़ महसूस नहीं हुई तो मीरा ने अपनी आंखें खोल ली। उसने देखा नील उसके सामने ही था। वो मीरा की ओर देखकर बोला, मेरी आज एक अर्जेंट मीटिंग है, अभी जाना होगा, ब्रेकफास्ट करके मेडिसिन ले लेना। उसकी केयर और कंसर्न देखकर मीरा ने तुरंत हाँ में गर्दन हिला दी। नील जाने लगा, पर तभी मीरा ने उसकी हथेली पकड़ ली। वो कुछ कहता उससे पहले ही मीरा उसके करीब आकर मुस्कुराती हुई बोली, बेस्ट ऑफ लक। उसके इतना कहते ही नील को पुरानी बातें याद आने लगी, जब मीरा हमेशा उसे विश करती थी। नील को आज आशा की एक किरण दिखी। उसने मीरा को देखकर बस हल्के से हाँ में गर्दन हिलाई और चुपचाप वहां से चला गया। मीरा जाते हुए नील को देखकर मुस्कुराते हुए वॉशरूम की ओर बढ़ गई। दूसरी तरफ विशु बाहर आई। उसने देखा विभाजी घर के मेन डोर से अंदर आ रही थी। उनके चेहरे पर आई परेशानी देखकर विशु तुरंत उनके पास आते हुए बोली, क्या हुआ मम्मी जी। विभाजी परेशान सी बोली, अरे देख ना, पता नहीं क्या हुआ तेरे पापा जी को, इतनी जल्दी में चले गए, न नाश्ता किया न चाय पिया। उनकी बात सुनते ही विशु को याद आया कल भी वो बहुत हड़बड़ी में निकल गए थे। पर विभाजी को परेशान देखकर विशु उस बात को टालते हुए बोली, अरे मम्मी जी आप बेवजह परेशान मत होइए, होगा कोई काम। ऐसे नहीं जाते कभी, पता नहीं हुआ क्या है आजकल इनको। विभाजी अब भी परेशान थी। तभी शांति जी आते हुए बोली, तू परेशान मत हुआ कर छोटी छोटी बात पर। वही तो बड़ी माँ। शांति जी की हाँ में हाँ मिलाते हुए विशु तुरंत बोली। यूवी ने जब तीनों को हॉल में खड़ा देखा तो उनके पास आते हुए बोला, क्या हुआ। शांति जी बोली, अरे यूवी तू तो जानता है ना कि तेरी माँ जरा जरा सी बात पर परेशान होने लगती है। शांति जी की बात सुनकर यूवी मुस्कुराया। उसने अपनी माँ की ओर देख कर कहा, मॉम क्यों परेशान है आप, सब ठीक तो है। विभाजी मुस्कुरा दी, पर विशु के दिमाग में अब भी कोई बात चल रही थी। दूसरी तरफ जानवी अपने कमरे में बैठी हुई थी, क्योंकि वो यहाँ जब से आई थी तब से बस कमरे में ही रहती थी। नील के लिए जब वो पहली बार इस घर में आई थी तब कितना खुश था नील। वो अपनी और नील की दोस्ती के बारे में सोचते हुए अपने आप में ही मुस्कुराने लगी। कितनी स्पेशल थी हमारी फ्रेंडशिप नील, सब बिखर गया, सब खत्म हो गया। इतना कहते हुए जानवी की आंखों में आंसू की बूंदें झलक आईं। मीरा वॉशरूम से बाहर आई। उसने आज ब्लैक क्रॉप टॉप के साथ येलो लॉन्ग स्कर्ट पहनी हुई थी। वो ड्रेसिंग टेबल के सामने आकर रेडी होने लगी। रह रहकर मीरा को नील का अक्स दिखाई दे रहा था, पर वो जैसे ही गौर से देखने लगती नील वहां नहीं होता था। मीरा ने अपने सर पर हल्की सी चपत लगाई और अपनी हरकत पर हंस पड़ी। क्या हुआ तुझे मीरू? अपने आप की अजीब हरकतें देखकर मीरा ने खुद में कहा। दूसरी तरफ राजेश जी एक सुनसान सड़क पर गाड़ी रोके खड़े थे। तभी उनका फोन बजा। नंबर देखते ही उन्होंने झट से कॉल रिसीव किया। क्या बात है, बड़ी जल्दी आंसर कर दिया, वेरी गुड। चलो वैसे आज ना मुझे कुछ काम है तो मैं कल बताती हूँ कहाँ मिलना है। दूसरी ओर से किसी महिला की आवाज आई। राजेश जी कुछ कहते उससे पहले ही कॉल कट हो गया।
उन्होंने फोन रखा और अपनी आंखें मूंद कर एक गहरी ठंडी सांस छोड़कर खुद से बोले, क्या करूं मैं। पर फिर वो एकदम खामोश हो गए और गाड़ी टर्न करके दूसरी ओर चले गए। दूसरी तरफ नील मिस्टर कपूर के ऑफिस में था। विवेक के साथ वो अपने क्लाइंट के साथ कुछ डिस्कस कर रहा था। नील बहुत गंभीरता से सारी बातें सुनने के बाद बोला, मिस्टर मलिक, मैं आपके साथ काम नहीं कर सकता। सामने बैठे मिस्टर मलिक और विवेक नील को देखने लगे। मिस्टर मलिक अब तेजी दिखाते हुए बोले, मेरी अपनी एक हाई प्रोफाइल कंपनी है, आपको काम था मुझसे, पर आपका काम करना या ना करना मेरी मर्जी है और अपनी मर्जी मैं बता चुका हूँ, नील ने बिना किसी भाव के कहा। राजेश जी किससे मिलने गए थे? आखिर वो फोन पर किससे बात कर रहे थे? और क्या मिस्टर मलिक के प्रपोजल को रिजेक्ट करके नील सही कर रहा है या गलत? क्या होगा आगे? जानने के लिए सुनते रहिए अनवांटेड मैरिज सिर्फ पॉकेट एफएम पर। मिस्टर मलिक अपमान का घूंट पीकर उठ गए। उनके चेहरे पर इस वक्त गुस्सा साफ झलक रहा था, वो विवेक देख सकता था। वो तेज कदमों से वहां से होते हुए बाहर आए। उसके जाते ही विवेक ने कहा, सर मिस्टर मलिक बहुत गुस्से में था। जस्ट काम डाउन, हम गुस्सा देखकर काम नहीं करते विवेक। नील ने अपना लैपटॉप बंद करते हुए बिना किसी भाव के कहा। विवेक शांत हो गया, पर मिस्टर मलिक के बारे में सोचकर वो मन में बोला, अपने काम के लिए मिस्टर मलिक कुछ भी कर जाते हैं, पता नहीं सर ने उन्हें मना करके ठीक किया भी या नहीं। मिस्टर मलिक बाहर आए, उनकी गाड़ी वहीं खड़ी थी। उन्हें देखते ही उनके ड्राइवर ने जल्दी से निकलकर गाड़ी का दरवाजा खोला तो वो चुपचाप गाड़ी में बैठ गए। उसके बैठते ही ड्राइवर भी आकर अपनी सीट पर बैठ गया और गाड़ी आगे बढ़ा दी। नील के रवैये के बारे में सोचकर मिस्टर मलिक के माथे की नसें तन रही थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि नील ने उसके साथ काम करने से मना कर दिया। वो एक सख्त सी आवाज में अपने आप में बोला, तुमने मानेंद्र मलिक को मना करके बिल्कुल ठीक नहीं किया नील खन्ना। दूसरी तरफ मीरा मुस्कुराते हुए तैयार हो रही थी। उसने सिंदूर की डिब्बी उठाई और अपनी मांग भर ली। एक बार फिर नील का चेहरा उसे अपने सामने आईने में नजर आया तो उसने मुस्कुराते हुए उसे टच किया, पर नील का वो अक्स गायब हो गया। मीरा फिर मुस्कुरा उठी और उठकर कमरे से बाहर निकल आई। नील ने विवेक को देखकर कहा, विवेक मुझे मेरे काम की बाकी की सारी डिटेल्स मेल कर देना और कोई केस आए तो इन्फॉर्म कर देना। विवेक ने हाँ में सर हिलाया तो नील अपनी चेयर से उठा और चुपचाप बाहर निकल गया। उसे जाते हुए देखकर विवेक अपने आप में बोला, भाभी का ख्याल रखते हुए भी सर सारा काम इतने अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, ग्रेट मैन। वो अपने आप में ही मुस्कुरा उठा। मीरा नीचे आई, वो आते ही किचन में घुसी तो उसने देखा शारदा जी और सिम्मी जी पहले से ही वहां मौजूद थी। उन्हें देखकर मीरा मुस्कुराते हुए उनके पास आई और बोली, मम्मी जी, नानी माँ, आप लोग क्या कर रहे हैं? सिम्मी जी ने मुस्कुराते हुए मीरा की ओर देखकर कहा, ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, आलू के पराठे। मीरा ने आलू और आटे की ओर देखकर कहा तो शारदा जी बोली, सबके लिए राजमा और पराठे बनाए थे इसलिए नील के लिए आलू के पराठे बना रही है। क्यों, वो राजमा नहीं खाता? मीरा ने एकदम से सवाल किया। सिम्मी जी और शारदा जी ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर मीरा की ओर देखकर सिम्मी जी बोली, नहीं, नील को उससे प्रॉब्लम हो जाती है। ओह, मीरा के मुंह से निकला, पर फिर उसने एकदम से कहा, मम्मी जी पराठे मैं बना दूं? उसकी बात सुनते ही सिम्मी जी ने तुरंत हां में गर्दन हिला दी और वो शारदा जी के साथ किचन से बाहर आ गई। मीरा ने आगे बढ़कर आटा देखा, फिर लोई बनाकर उसमें आलू भर के उसे बेलने लगी। नील के बारे में सोचते हुए आज मीरा बहुत खुश थी और वो पूरे मन से उसके लिए पराठे बना रही थी। उसके चेहरे पर झलक रही खुशी देखकर सिम्मी जी और शारदा जी मुस्कुराते हुए हॉल में आ गईं। जानवी अब भी अपने कमरे में बैठी हुई अपने और नील के बारे में ही सोच रही थी। तभी उसके कमरे के दरवाजे पर आहट महसूस हुई। उसने देखा तो सामने नील था। नील को देखते ही जैसे ही उसने उठने की कोशिश करी तो नील बोला, दोपहर में तेरे चेकअप के लिए डॉक्टर आएंगे। इतना कहकर नील वहां से चला गया। जाते हुए नील को देखकर जानवी की आंखों में फिर नमी तैर आई। नील ने देखा
हॉल में शारदा जी और सिम्मी जी थी तो वहां आकर उनके पास बैठा। तभी प्रताप जी भी आ गए। उन्हें देखते ही नील ने एकदम से सवाल किया, नानू मलिक डायमंड्स का काम कैसा है? प्रताप जी ने नील को देखा, उनके चेहरे पर दबाव बन गया। वो नील की ओर देखकर बोले, बहुत सही चल रहा है उनका बिजनेस, तो पूरे मुंबई में डायमंड्स का सबसे बेस्ट बिजनेस है। अपने नानू की बात सुनकर नील ने राहत की सांस ली। वो कुछ सोच रहा था तभी प्रताप जी ने कहा, तुम क्यों जानना चाहते हो? नील ने बात टालते हुए कहा, नहीं बस ऐसे ही। मीरा टेबल पर ब्रेकफास्ट लगा रही थी, तभी नील की नजर उस पर पड़ी। उसे देखकर नील अपने आप में बोला, ये लड़की ना जानबूझकर करती है। उसने मीरा से अपना ध्यान हटाने के लिए अपना फोन निकाल लिया। मीरा ने टेबल पर खाना लगाया, तब तक संजीव जी भी नीचे आ गए और सब ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठ गए। नील ने जब पराठे की एक बाइट खाई तभी वो समझ गया कि आज पराठे मीरा ने बनाए थे, पर उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप खाता रहा। मीरा का ध्यान नील पर ही था, पर उसे चुप देखकर उसका मुंह बन गया। संजीव जी और प्रताप जी ऑफिस के लिए चले गए। मीरा किचन में आकर बर्तन धोने लगी। नील मीरा के एक्सप्रेशन के बारे में सोचकर मुस्कुराया। उसने अपने आप में ही कहा, मुझे इतना परेशान कर रही हो तो हिसाब तो सारे लूंगा, वो भी सूद समेत। इतना कहकर उसने एक नजर किचन की ओर देखा। सिम्मी जी और शारदा जी मंदिर के लिए निकल गई थी। घर में इस वक्त नील और मीरा ही थे। जानवी अपने कमरे में ही थी। उसे खाना और दवाइयाँ सिम्मी जी वहीं दे आई थी तो वो बाहर निकली ही नहीं। नील हॉल में बैठे बैठे किचन की तरफ देख रहा था, पर फिर वो उठकर अपने कमरे की ओर बढ़ गया। दूसरी तरफ यूवी अपने केबिन में बैठा हुआ था, तभी एक आदमी आकर उसे कुछ पेपर्स देकर गया। उसने यूवी की ओर देखकर कहा, सर ये बैंक चार्जेस और बाकी की सारी डिटेल्स हैं। यूवी ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए उसे वहां से जाने का इशारा किया। पेपर्स अब भी टेबल पर पड़े हुए थे, पर यूवी अपने काम में लगा हुआ था इसलिए उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इधर मीरा मुंह बनाए हुए कमरे में आई तो देखा नील अपने लैपटॉप में लगा हुआ कुछ काम कर रहा था। मीरा को नील पर गुस्सा आने लगा। उसने किसी तरह अपना गुस्सा काबू में किया और फिर वो वर्क रूम के अंदर आ गई। उसने देखा कि यहाँ काफी खाली जगह थी। एक गहरी सांस लेकर मीरा वापस कमरे में आई और कबर्ड खोला। उसमें वो कुछ ढूंढ रही थी। नील ने जब मीरा को देखा तो वो समझ गया कि वो कुछ ढूंढ रही होगी, पर उसने कुछ नहीं कहा। तभी मीरा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने घुंघरू लिए और वापस वर्क रूम की तरफ चली गई। मीरा के जाते ही नील ने अपने सीने पर हाथ रख लिया। उफ ये लड़की। उसकी हरकत के बारे में सोचकर नील मुस्कुराते हुए बोला, वाइफी तुम ना बहुत ज्यादा परेशान कर रही हो अब। मीरा ने पैरों में घुंघरू बांधे और अपना फोन सोफे पर रखकर म्यूजिक चलाया। गाने के बोल के साथ ही मीरा के पैर थिरकने लगे। मीरा अपने आप में मग्न होकर डांस कर रही थी। दरवाजे पर नील दरवाजे के सहारे खड़ा होकर एक टक बिना पलके झपकाए उसे देख रहा था। उसकी झांकती गोरी कमर, चेहरे पर लहराते खुले बाल उसे अपनी ओर खींच रहे थे। कितनी खूबसूरत लग रही थी उसकी मीरा। उसे देखकर बहुत मुश्किल से नील ने अपने कदम रोक कर रखे हुए थे। मीरा का ध्यान अब भी नील पर नहीं था क्योंकि वो पूरे मन से डांस कर रही थी। तभी अचानक उसके कदम लड़खड़ा गए। वो गिरती, उससे पहले ही नील ने आकर उसे अपनी बाहों में थाम लिया। डर कर मीरा ने उसकी शर्ट को पकड़ लिया था। उसके इस तरह पकड़ने से नील के शर्ट के कुछ बटन्स खुल गए। वो बस एक टक मीरा को देख रहा था। मीरा की नजरें नील के चेहरे पर थीं। जैसे ही उसकी नजरें अपने हाथ पर गईं, उसने देखा कि उसने उसकी शर्ट बहुत कस कर पकड़ रखी थी। उसकी खुली बटन से उसकी चेस्ट साफ दिख रही थी। मीरा ने तुरंत अपने हाथ पीछे कर लिए। नील ने उसे ठीक से खड़ा किया और उसे अपनी नजरों से अच्छे से ऑब्जर्व करने के बाद पूछा, चोट तो नहीं लगी ना? मीरा की नजरें नील पर ही थीं। उसे देखते हुए ही उसने कहा, तुमने लगने कहाँ दी? उसकी बात सुनकर नील की नजरें मीरा के चेहरे पर ठहर गईं। नील झुककर मीरा के पैरों के पास बैठा, जिससे मीरा को अजीब लगने लगा। और वो जैसे ही पीछे होने लगी, नील की ठंडी आवाज उसके कानों में पड़ी, बस एक मिनट। उसकी आवाज सुनते ही मीरा का हिलना डुलना बंद हो गया। वो एकदम शांत होकर नील को देखने लगी। नील ने अपने हाथ मीरा की ओर बढ़ाए
पर फिर रुक गया। मीरा बहुत गौर से उसे देख रही थी, तभी नील ने उसके पांव पकड़ते हुए अपनी थाई पर रख लिया और चुपचाप उसके पैरों में बंधी घुंघरू खोलने लगा। मीरा एक टक बिना कुछ कहे बस नील को देख रही थी। मीरा के दूसरे पैर से भी घुंघरू निकालकर नील उसकी ओर देख रहा था। आज के लिए बहुत हो गया, इतना बोलकर नील उठ गया और वहां से जाने लगा। पर उसकी ओर देखकर मीरा ने धीरे से कहा, रुको। उसके इतना कहते ही नील के कदम रुके। उसने पलटकर मीरा की ओर देखा तो मीरा ने पूछा, तुम कहीं जा रहे हो? नील ने कहा, नहीं। नील के इतना कहते ही मीरा उसके करीब आते हुए बोली, तो तुम अभी क्या करोगे? नील बहुत गौर से अपनी मीरा को देख रहा था। उसकी आंखों में खुद को तलाशते हुए नील ने कहा, कुछ काम था मुझसे। मीरा चुप हो गई। उसकी चुप्पी देखकर नील अपने होठ उसके होठों की तरफ बढ़ाने लगा। ये देखकर मीरा का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने आंखें मीच ली और अपने हाथों की मुट्ठी बंद कर ली। तभी मीरा के होठों के पास एक गर्म सांस छोड़ते हुए नील ने धीरे से कहा, अपने पति पर, उसके वक्त पर, उसकी हर चीज पर पूरा हक है तुम्हारा, तो जब जो चाहे वो ले सकती हो। मीरा ने जैसे ही ये सुना वो आंखें खोले नील को देखने लगी। उसके सांसों की तपिश मीरा अपने चेहरे पर महसूस कर रही थी। उसने किसी तरह अटकते हुए कहा, नहीं नहीं, वो दूर जाने नहीं देना चाहती, पास आना चाहती हो ये मानना नहीं चाहती, मीरा की बात काटते हुए नील ने कहा। उसकी बात सुनकर मीरा शांत पड़ गई। वो बस नील को देखती रही। नील ने सोफे पर रखे वो घुंघरू उठाए कि तभी उसके हाथ में हल्का सा चुभ गया जिससे ब्लड आने लगा। मीरा ने तुरंत वो लिया और सोफे पर पटकते हुए नील की उंगलियों को देखने लगी। उसके चेहरे पर आई परेशानी देखकर नील बस उसे देखता रहा। मीरा ने उसके हाथ पकड़ते हुए ही सामने के टेबल पर रखा कपड़ा उठाकर उसकी उंगली पर लगाकर कहा, क्या जरूरत थी उठाने की? तुम्हें दर्द नहीं होता क्या? कितने केयरलेस हो तुम। उसने नजर उठाकर नील को देखा जो चुपचाप उसे ही देख रहा था, तो मीरा उसे देखकर बोली, मुझे क्या देख रहे हो? चोट तुम्हें लगी है बुद्धू? नील ने मीरा की आंखों में झांकते हुए शांत सी आवाज में कहा, तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही है? चोट तो मुझे लगी है ना? मीरा शांत पड़ गई। उसने नील की ओर देखा पर उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा था। नील ने आहिस्ता से मीरा से अपना हाथ छुड़वाया और उसकी ओर देखते हुए ही बोला, मैं ठीक हूँ, परेशान मत हो। उसकी बात सुनकर मीरा ने एकदम से कहा, रुको मैं बैंडेज लगा देती हूँ। नील कुछ नहीं बोला। मीरा ने वहां रखी फर्स्ट एड किट निकाली और नील की उंगली पर बैंडेज लगाने लगी। थैंक यू, नील ने कहा। तो मीरा ने धीरे से कहा, तुम तो इतना कुछ कर चुके हो मेरे लिए। हिसाब बराबर कर रही हो, नील ने सवालिया लहजे में कहा। उसकी बात सुनकर मीरा तुरंत बोली, नहीं मैं तो इसलिए कह रही थी क्योंकि तुमने मुझे थैंक यू कहा। उसकी मासूमियत पर नील मुस्कुरा दिया। तो मीरा ने उन घुंघरुओं को नफरत भरी नजरों से देखकर कहा, रहने दो इसे, इसकी वजह से चोट लगी है तुम्हें। मीरा में आए बदलाव नील साफ देख पा रहा था और उसे ये तसल्ली दे रहा था। उसने मीरा की ओर देखकर मन में कहा, नजर आ रहा है बदलाव। तुमने कहा था कि तुम्हें मुझसे हर बार प्यार हो जाएगा और तुम्हारी आंखों में वो प्यार अब पनपने लगा है। खुद को नील को देखता पाकर मीरा ने कहा, तुमने आज खाते वक्त। उसकी बात काटते हुए नील ने कहा, पराठे अच्छे बनाए थे तुमने। उसकी बात पूरी होते ही मीरा हैरानी भरी नजरों से उसकी ओर देखने लगी। दूसरी तरफ यूवी अपना काम कर रहा था, तभी वो पेपर्स नीचे गिर गए थे जो अभी वो आदमी देकर गया था। उसने अपना लैपटॉप बंद किया और वो पेपर्स उठाकर अपनी चेयर पर बैठा। यूवी ने उन पेपर्स को देखा, वो एक एक करके सारे पेपर्स पलटने लगा, पर अचानक उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। डैड ने 50 लाख रुपए किसे ट्रांसफर करवाए? यूवी वो पेपर देखकर हैरान सा बोला, आखिर राजेश जी ने 50 लाख रुपए किसे ट्रांसफर किए होंगे और क्यों? और क्या यूवी उनसे इस बारे में पूछेगा? जानने के लिए सुनते रहिए अनवांटेड मैरिज सिर्फ पॉकेट एफएम पर। यूवी ने उस पेपर को देखा लेकिन उसमें कुछ ज्यादा डिटेल्स नहीं थी। वो परेशान सा सोचने लगा
फिर उठकर निकला। वो राजेश जी के केबिन में आया तो देखा कि वो कुछ कर रहे थे। यूवी अंदर आते हुए बोला, डैड कुछ पूछना था। पूछो बेटा। राजेश जी ने यूवी की ओर देखकर कहा। यूवी थोड़ा हिचकिचाने लगा पर फिर वो एकदम से बोला, डैड कल आपने 50 लाख रुपए किसे ट्रांसफर करवाए? यूवी का ये सवाल सुनते ही राजेश जी के चेहरे पर परेशानी के भाव झलक आए, जिसे छुपाने की वो कोशिश करने लगे, पर वो समझ नहीं पा रहे थे कि वो यूवी को उसके सवाल का क्या जवाब दें। राजेश जी यूवी के सवाल का जवाब देते हुए बोले, कुछ काम था मुझे और मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ करने से पहले तुम्हारी परमिशन लेनी होगी। यूवी हैरानी से उन्हें देखते हुए बोला, डैड मैं बस पूछ रहा था, इससे पहले आपने इतनी बड़ी। यूवी अगर मुझसे सफाई लेना हो गया हो तो काम पर ध्यान दो, राजेश जी बीच में ही बोले। उनकी बातें यूवी को अजीब लग रही थी पर इस वक्त उसने बात ज्यादा न बढ़ाने के लिए चुप ही रहना ठीक समझा। दूसरी तरफ मीरा हैरानी से नील को देख रही थी। उसने धीरे से कहा, तुम्हें कैसे पता कि पराठे मैंने बनाए थे? नील चुपचाप मीरा की आंखों में देख रहा था, फिर उसने बिना किसी भाव के कहा, कहा था ना तुम्हें तुमसे ज्यादा जानता हूँ। मीरा का दिल धड़क उठा, उसने अपनी नजरें झुका ली। ये देखकर नील मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। जाते हुए नील को देखकर मीरा ने अपने आप में कहा, ये मुझे कितनी अच्छी तरह से समझता है। इतना कहते हुए उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। नील कमरे में बैठकर लैपटॉप खोलने लगा, तभी मीरा वहां आ गई। उसने कुछ सेकंड तक नील को चुपचाप देखा और फिर बेड पर आकर बैठ गई। मीरा अकेली बैठी हुई थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी उसकी नजर अपने फोन पर पड़ी, उसने फोन उठाया और उसमें कुछ करने लगी। अपना काम करते हुए नील मीरा की हर एक हरकत को नोटिस कर रहा था। उसके हाथों में फोन देखकर वो अपने आप में बोला, तुम आओगी तो मेरे पास ही। नील ने फिर अपनी नजरें लैपटॉप पर गड़ा ली। मीरा कुछ पल तक फोन में लगी रही लेकिन अब वो फोन से भी बोर हो गई। उसने चिढ़कर फोन को बेड पर पटक दिया और बोली, सहसा ही उसकी नजर नील पर पड़ी। नील को देखते ही मीरा को उसके साथ बिताए पल याद आने लगे। वो बेड से उठकर नील के पास काउच की तरफ बढ़ गई। उसने देखा नील लैपटॉप पर बहुत गौर से कुछ कर रहा था। उसने एक बार भी मीरा को नहीं देखा। इससे मीरा को गुस्सा आने लगा और उसने एकदम से नील का हाथ पकड़ा। उसके इस तरह हाथ पकड़ने से नील ने उसकी ओर देखा, तभी मीरा ने उसका लैपटॉप बंद कर दिया। नील बस एक टक उसे देख रहा था। लैपटॉप बंद होने की आवाज के साथ ही नील को रक्षाबंधन वाला दिन याद आ गया, जब मीरा ने उसे लैपटॉप को तोड़ देने की धमकी दी थी। वो धीरे से बोला, क्या हुआ, लैपटॉप बंद क्यों किया? उसके मुंह से लैपटॉप का नाम सुनते ही मीरा गुस्से से बोली, बड़ी फिक्र नहीं आ रही तुम्हें अपने इस लैपटॉप की? इतना सुनते ही नील बहुत गौर से मीरा को देखने लगा। उसने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, इतना क्यों रिएक्ट कर रही हो तुम? वो उसके मन की बात जानना चाहता था, पर उसकी बात सुनकर मीरा ने उसे घूरते हुए कहा, मैं 2 मिनट से यहाँ बैठी हूँ और तुमने एक बार भी मुझे नहीं देखा। तुम मुझे इस तरह इग्नोर नहीं कर सकते, समझे? नील बस ठंडे भाव लिए मीरा को देखता रहा। आज कितने महीनों बाद उसका ये अंदाज वो देख पा रहा था। उसने जब कुछ नहीं कहा तो मीरा ही दोबारा बोली, बीवी को नाराज नहीं करना चाहिए वरना अंजाम अच्छा नहीं होता। हल्की सी मुस्कुराहट चेहरे पर लाते हुए नील ने शांत भाव से कहा, नाराज हो तुम मुझसे? उसका ये सवाल सुनकर मीरा ने मुंह बना लिया। वो नाराज होने वाले अंदाज में बोली, और नहीं तो क्या, बहुत नाराज हूँ मैं तुमसे। नील अब समझ रहा था कि मीरा बस नौटंकी कर रही थी, पर उसे खुश करने के लिए वो मीरा की आंखों में झांकते हुए बोला, चलोगी मेरे साथ? उसके इतना कहते ही मीरा का दिल धड़क उठा। उसके मुंह से अपने आप निकला, कहा तो तैयार हो तुम? नील ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। उसकी बात सुनकर मीरा नजरें चुराने लगी, वो इधर उधर देखने लगी। उसकी ये हरकत नील के चेहरे पर मुस्कुराहट ले आई। मीरा के ठोड़ी पर उंगली रखते हुए नील ने उसका चेहरा अपनी तरफ किया। उससे नजरें मिलते ही मीरा का दिल धड़क उठा। उसने नजरें झुका ली पर नील बहुत गौर से उसके चेहरे पर आते जाते भाव को देखते हुए धीमी सी आवाज में बोला,
मीरा मेरी तरफ देखो। उसके मुंह से अपना नाम सुनते ही मीरा की नजरें उस पर चली गई। खुद को देखती मीरा को देखकर नील ने बहुत प्यार से कहा, अपनी नाराज बीवी को मना तो सकता हूं ना। इतना सुनते ही मीरा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तो तुम मना सकते हो मुझे? देखते हैं, नील ने धीमे से कहा। उसकी बात पर मीरा मुस्कुराते हुए उठ गई। वो वहां से जाने लगी, तभी नील ने उसके कलाई पकड़ते हुए उसे अपनी ओर खींचा। उसके इस तरह खींचने से मीरा उसकी गोद में आ बैठी। मीरा की सांसों की रफ्तार बढ़ने लगी। वो बहुत मुश्किल से अपनी धड़कनों को काबू में किए हुई थी। नील ने आहिस्ता से मीरा के पेट पर अपने हाथ रखते हुए सर्द आवाज में कहा, मैं तुम्हें कभी इग्नोर नहीं कर सकता। उसकी ये बात सुनकर मीरा ने किसी तरह से अटकते हुए कहा, तो तुम मुझे छोड़ो ना, छोड़ो। नील ने जैसे ही मीरा की बात सुनी, उसने उसके पेट पर रखा अपना हाथ हटा लिया और मीरा पर अपनी पकड़ भी ढीली कर दी। पकड़ जैसे ही ढीली हुई, मीरा उठने लगी। उसने कुछ कदम आगे बढ़ाए कि अचानक उसका पैर लड़खड़ाया और वो नील के ऊपर ही आ गिरी। मीरा का सर नील के सीने से लगा था। उसने जैसे ही सर उठाया, नील का चेहरा देखकर उसका दिल धड़क उठा। नील एक टक बिना किसी भाव के उसे देख रहा था। मीरा जैसे ही उससे अलग होने लगी, नील ने उसकी पीठ पर अपने हाथ रख दिए। उसके हाथों की छुअन से खुद ब खुद मीरा की आंखें बंद हो गई। उसकी बंद आंखों को देखकर नील ने शांत सी आवाज में कहा, किस्मत कनेक्शन बहुत गहरा जुड़ा है, इतनी आसानी से नहीं छूटेगा। मीरा अपनी आंखें खोले नील को देखने लगी। उसने महसूस किया था कि नील की धड़कनें भी सामान्य से तेज थी। तो ये महसूस होने पर नील की ओर देखकर उसने धीरे से कहा, कहाँ जाने की बात कर रहे थे तुम? नील ने कुछ पल तक मीरा के चेहरे को निहारने के बाद कहा, पता चल जाएगा, शाम को तैयार रहना। तुम मुझे डेट पर लेके जा रहे हो? मीरा ने एकदम से कहा। उसकी बात सुनते ही नील के फेस पर स्माइल आ गई। उसने मुस्कुराते हुए धीरे से कहा, कोई प्रॉब्लम है? मीरा बोली, मिस्टर खन्ना आप? नो मोर क्वेश्चन मिसेस खन्ना, नील ने उसे चुप करवा दिया। उसके मुंह से मिसेस खन्ना सुनकर मीरा के कानों में बार बार वही गूंजने लगा। मीरा अब भी नील के सीने से लगी हुई थी। नील को बहुत सुकून मिल रहा था। उसके इतना करीब होने से वो आहिस्ता से मीरा के बालों पर किस करते हुए बोला, थैंक यू। उसकी इस बात का मतलब मीरा नहीं समझ पाई। उसने नील की ओर देखकर सवालिया लहजे में कहा, क्यों? बस ऐसे ही। नील ने मीरा को अपनी बाहों में समेटते हुए कहा और उसने अपनी आंखें मूंद ली। मीरा भी इस पल के लिए सब भूलकर आंखें मूंदे नील की बाहों में बैठी रही। दूसरी तरफ यूवी अपने काम में लग गया था, पर रह रहकर उसके दिमाग में वही बात आ रही थी कि उसके डैड ने ऐसे क्यों रिएक्ट किया। वो यही सोच रहा था कि तभी उसका फोन बजने लगा। यूवी ने कॉल रिसीव किया तो दूसरी ओर से आवाज आई, मिस्टर खुराना, मलिक साहब के साथ काम करने के बारे में क्या ख्याल है? यूवी कुछ पल सोचने के बाद बस इतना बोला, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। उसने कॉल कट कर दिया। वो परेशान सा सर पकड़कर बैठ गया। तभी उसके केबिन का दरवाजा नॉक हुआ। कम इन, यूवी ने बिना किसी भाव के कहा। दरवाजा खुला और कोई अंदर आया। कदमों की आहट सुनकर यूवी ने सामने देखा तो पाया कि सामने विशु खड़ी थी। उसे देखते ही यूवी ने सवाल किया, तू यहाँ क्या कर रही है? ये सुनते ही विशु का मुंह बन गया। उसने आंखें छोटी करके यूवी की ओर देखते हुए कहा, क्यों, मेरे आने से प्रॉब्लम है तुम्हें? यूवी बोला, विशु प्लीज दिमाग मत खराब कर। उसके बोलने के लहजे से विशु समझ गई कि वो किसी बात से परेशान हो रहा था। वो यूवी के पास आई। उसने पानी का ग्लास उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, पियो इसे। यूवी आगे बोला, विशु मत कर, अभी तो जा, मुझे काम है। यूवी की हरकत पर विशु चिढ़ने लगी। उसने पानी का ग्लास रख दिया और अपने हाथ में पकड़ा टिफिन टेबल पर रखते हुए नाराजगी भरे लहजे में बोली, तुम भूल गए थे ये, बस वही देने आई थी। इतना कहकर विशु पलटी। तब यूवी को एहसास हुआ कि उसने कुछ ज्यादा ही रूडली बिहेव किया, तो विशु का हाथ पकड़कर उसे अपनी गोद में बिठाते हुए धीरे से बोला, सॉरी।
विशु मुंह फुलाए हुए यूवी की गोद में बैठी रही। उसने कुछ नहीं कहा तो यूवी उसके पेट पर पकड़ कसते हुए बोला, कुछ बोलेगी नहीं। पर विशु ने अब भी कुछ नहीं कहा। यूवी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो विशु के बालों के पीछे चेहरा छुपाते हुए उसकी गर्दन को अपने होठों से टच करने लगा। उसके होठों के स्पर्श से विशु की धड़कन बढ़ गई। उसने यूवी से दूर जाने की कोशिश की पर यूवी ने उसे कस कर पकड़ रखा था। विशु के गर्दन से होठ हटाकर यूवी धीरे से बोला, सॉरी। उसका सॉरी सुनकर विशु उसकी ओर देख कर बोली, क्या सॉरी? मुझे पंचिंग बैग समझ रखा है क्या तुमने? गुस्सा आया नहीं कि विशु पर उतार दो? उसकी नाराजगी जायज थी। यूवी जानता था कि उसने गलत किया। अपनी गलती मानते हुए वो बोला, विशु तुझे जो कहा वो बस गलती से कह दिया, सॉरी ना। पर जब विशु ने कुछ नहीं कहा तो यूवी दोबारा बोला, अरे मेरा बच्चा, सॉरी। बच्चे नहीं हूं मैं, विशु ने मुंह फुलाकर कहा। उसकी बात सुनकर यूवी हंस पड़ा। हाँ, बच्ची नहीं है, मेरे बच्चे की माँ है तू, उसने हंसते हुए कहा तो विशु का मुंह बन गया। विशु बोली, तुम ना मेरा बहुत मजाक बनाते रहते हो। उसकी नाराजगी देखकर यूवी ने मुस्कुराते हुए उसके माथे पर किस किया। उसकी होठों की छुअन ने विशु को पिघला दिया। उसने अपनी आंखें मूंद ली। ये देखकर यूवी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने विशु के गाल पर होंठ रख दिए जिससे विशु ने यूवी की गर्दन के इर्द गिर्द हाथ लपेट दिए। यूवी के होंठ अब भी उसके गालों पर ही थे। वो उसे किस करके उससे दूर हुआ तभी विशु ने अपनी आंखें खोल ली। वो यूवी की ओर देखकर बोली, ये गलत है, ऐसे ऐसे तो अब तुम ना बिल्कुल मेरे क्लोज नहीं आते, और जब नाराज हो जाओ तो। विशु बोलते बोलते रुकी। यूवी उसे ही मुस्कुराते हुए देख रहा था। वो बोला, तो क्या आगे बोल। विशु बोली, तुम ना रहने दो। विशु का चिढ़ा हुआ चेहरा देखकर यूवी मन ही मन मुस्कुराने लगा। उसने विशु की ओर देखकर कहा, क्या कह रही थी तू, मैं तेरे करीब नहीं आता। विशु नाराज होते हुए बोली, और नहीं तो क्या, जब देखो अपने बेटे से ही चिपके रहते हो। यूवी को हंसी आ गई। उसे यूं हंसता देख विशु ने उसके ब्लेजर का कॉलर पकड़कर अपनी ओर खींचा, उसका चेहरा अपने करीब कर लिया। यूवी शान से विशु के चेहरे को देखने लगा। उसकी आंखों में देखते हुए विशु धीरे से बोली, क्या अब नहीं आ रही हंसी? विशु क्या कर रही है? यूवी अपना चेहरा दूर करने लगा पर विशु ने उसके बालों में उंगली फंसाते हुए उसका चेहरा अपने एकदम करीब करके सर्द सी आवाज में बोली, तो बोलो पति देव। क्या? यूवी ने अटकते हुए कहा। विशु उसके गाल पर उंगलियां फिराने लगी। उसकी हरकत से यूवी के दिल की धड़कन बढ़ने लगी। वो विशु की हरकत से अपने होश खोता जा रहा था। उसने विशु की कमर पर हाथ रखकर उसे अपनी ओर खींच लिया। विशु अब चुपचाप यूवी को देखने लगी। तू ना न जगह देखती है न टाइम, यूवी विशु को घूरते हुए बोला। हाँ तो तुम्हारे पास वक्त ही कहाँ होता है, विशु ने चिढ़ कर कहा। यूवी ने हंसते हुए विशु के होठों को चूम लिया और उससे दूर होते हुए बोला, अच्छा मेरी। विशु ने उसे घूरा तो वो मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा मेरी जान, अब अपनी शिकायतों का पिटारा बंद कर। विशु ने नाराजगी से उसकी ओर देखकर कहा, इसे भी कोई किस करता है? यूवी क्या जवाब देगा? आखिर राजेश जी ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हैं? क्या यूवी राजेश जी के इस बिहेवियर के बारे में पता लगा पाएगा? और मिस्टर मलिक अब यूवी से क्यों कांटेक्ट कर रहा है? जानने के लिए सुनते रहिए अनवांटेड मैरिज सिर्फ पॉकेट एफएम पर। यूवी ने सवालिया निगाहों से उसकी ओर देखा तभी विशु ने उसके होठों पर अपने होठ रख दिए और बहुत डीपली किस करने लगी। कुछ पलों बाद वो उससे दूर हुई और लंबी सांस लेने लगी। यूवी अपनी सांसों को कंट्रोल करते हुए बोला, विशु तू ना एकदम जंगली हो जाती है। हाँ तो तुम्हें किस करना नहीं आता, इसमें मेरी क्या गलती, विशु ने लापरवाही से कहा और उठ गई। उसके उठते ही यूवी उसका हाथ पकड़कर उसे वापस अपनी गोद में बिठा लिया और उसकी गर्दन के पास होंठ ले जाकर फुसफुसाते हुए बोला, तो तू क्या चाहती है, मैं दिखाऊं तुझे मुझे क्या आता है और क्या नहीं? तुम रहने दो, विशु ने कहा। तो यूवी उसका चेहरा अपनी ओर पलटते हुए बोला,
तू ना बिल्कुल विराज की तरह नॉटी होती जा रही है। अरे वो मेरी तरह है। इतना कहकर विशु हंस पड़ी। यूवी को भी उसके इस हरकत पर हंसी आ गई। दूसरी तरफ नील अपने फोन पर कुछ कर रहा था। उसने अब फोन रखते हुए कहा, शायद इससे कुछ फर्क पड़ेगा तुम्हें वाइफी। इतना कहकर वो कुछ सोचने लगा। इधर विशु यूवी के पास ही बैठी हुई थी। यूवी उसकी ओर देखकर बोला, अच्छा तो ये बता, आज तू फ्री कैसे हुई? विराज ने आने दिया तुझे? अरे उसे पता होता तो आने देता वो। और मैं ना आज भी तुमसे ही ज्यादा प्यार करती हूँ, तुम्हारी तरह नहीं कि बेटे के आगे बीवी दिखती ही नहीं। विशु का मुंह बन गया। उसकी बात सुनकर यूवी मुस्कुराने लगा। उसने विशु की कमर पर अपनी पकड़ कसते हुए कहा, तुझे उससे प्रॉब्लम होती है? विशु अपने बेटे से तो। यूवी बोल रहा था तभी उसकी बात काटते हुए विशु ने कहा, ओह कोई चिढ़ती नहीं हूँ मैं उससे, बेटा है वो मेरा और तुमसे ज्यादा प्यार अब मैं भी उसी से करती हूँ। यूवी का मुंह बन गया। उसने चिढ़कर कहा, देख तू क्या चिढ़ क्यों रहे हो? विशु हंसते हुए बोली। यूवी को भी हंसी आ गई। उसका खराब मूड विशु अब एकदम ठीक कर चुकी थी। जब उसने महसूस किया कि यूवी एकदम नॉर्मल हो गया है तो उसने उसके गाल पर किस किया और धीरे से बोली, अब मैं चलती हूँ। यूवी मुस्कुरा दिया। उसने विशु को छोड़ा तो विशु जाने लगी, पर फिर वो पलटी और यूवी की ओर देखकर बड़े ही प्यार से बोली, जल्दी आना। उसकी बात सुनकर यूवी ने मुस्कुराते हुए पलके झपका दी और विशु भी ये देखकर खुश होती हुई वहां से चली गई। उसके हरकत के बारे में सोचकर यूवी मुस्कुरा उठा। कुछ पल तक कुछ सोचने के बाद उसने अपना फोन निकाला और कुछ देर बाद उसने फोन वापस टेबल पर रख दिया। दूसरी तरफ मीरा कमरे में बेड पर बैठी हुई थी। उसके दिमाग में बस नील की बातें ही घूम रही थी। वो उसे अपने साथ कहां ले जाने वाला था, ये सोच सोच कर उसका दिमाग खराब हो रहा था। सोफे पर बैठा नील मीरा के हर एक्सप्रेशन को नोटिस कर रहा था। उसने अपने आप में ही कहा, कोशिश अब शुरू कर रहा हूँ तुम्हें धीरे धीरे सब याद दिलाने की, और आज उसकी शुरुआत है, देखते हैं कितना फर्क पड़ता है तुम्हें। अब एकदम से मीरा के मन में ख्याल आया। उसने मुझसे पूछा डेट के लिए और मैंने हाँ कर दी। मीरू तू ऐसा कैसे कर सकती है? पर फिर सहसा ही उसने सोचा, पर मैंने हाँ कब कहा? मीरा उलझन में अपने नाखून चबाने लगी। ये इंसान ना उलझनों का पिटारा है। जस्ट रिलैक्स, कुछ ज्यादा ही सोच रही हो तुम, नील ने मीरा की ओर देखकर कहा। उसकी आवाज कानों में पड़ते ही मीरा ने उसकी ओर देखा, फिर वो एकदम से बोली, अरे यार तुमने ना मुझे उलझा कर रख दिया है। उसकी बात सुनकर नील शांत हो गया। उसने कुछ पल तक खामोश रहने के बाद एक शांत सी आवाज में कहा, इतना कंफ्यूजिंग नहीं हूँ मैं, एक बार अपने दिल से महसूस करके देखो, सब समझ आ जाएगा। इतना बोलकर वो उठा और चुपचाप कमरे से बाहर निकल गया। मीरा जाते हुए नील को चुपचाप देखती रही, फिर वो एक गहरी सांस लेकर बोली, मीरू पापा हमेशा कहते हैं रिश्ते दिल से निभाओ, सब खुद समझ आ जाएगा। इधर राजेश जी अपने केबिन में थे पर उनका ध्यान काम पर लग ही नहीं रहा था। वो किसी गहरी सोच में डूबे हुए थे। उन्होंने एक बार लैपटॉप पर नजर गड़ाई पर फिर उसे बंद करते हुए एक गहरी सांस ली। दूसरी तरफ जानवी के चेकअप के लिए डॉक्टर आई थी। वो उसका चेकअप करके जाने लगी। सिम्मी जी और शारदा जी भी वहीं थे तो सिम्मी जी ने पूछा, डॉक्टर जानवी ठीक है ना? उनका ये सवाल सुनकर जानवी ने उनकी ओर देखा, तभी डॉक्टर बोली, इनकी चोट भर रही है, बाकी सर पर लगी चोट के लिए जो चेकअप किए हैं उनके रिपोर्ट्स आने के बाद ही कुछ कह सकते हैं। इतना कहते हुए डॉक्टर वहां से चली गई। सिम्मी जी और शारदा जी भी चुपचाप कमरे से निकल लिए। उन्हें जाते देखकर जानवी अपने आप में ही बोली, एक वक्त था जब शारदा आंटी बिल्कुल दादी की तरह मुझसे प्यार करती थी, पर आज मैं बिल्कुल अकेली हूँ। दादू आई मिस यू। इतना बोलते बोलते जानवी की आंखों में आंसू आ गए। इधर विभा जी हॉल में बैठी हुई बुआ जी के सर में तेल लगा रही थी। तभी राजेश जी घर आ गए। उन्हें देखते ही विभा जी ने वहां रखे टिश्यू से अपने हाथ साफ करते हुए कहा, आप इतनी जल्दी घर आ गए और सुबह ऐसे अचानक चले गए थे? जल्दी जाओ तो प्रॉब्लम, जल्दी आओ तो प्रॉब्लम, कुछ अपने मन की कर सकता हूँ मैं, राजेश जी ने चिढ़ते हुए कहा। उनकी बात सुनकर विभा जी की आंखों में नमी तैर आई।
ये देखकर बुआ जी सख्त आवाज में बोली, राजेश पुत्र फिकर हो रही सी, इसी वास्ते पूछ दिता, इन्ना गुस्सा ना दिखा, मोटी है तेरी, गल याद रख। बुआ जी की बात सुनकर राजेश जी को एहसास हुआ कि उन्होंने ज्यादा बोल दिया। वो विभा जी की ओर देखने लगे, पर वो बिना कुछ कहे किचन में चली गई, तो वो भी चुपचाप कमरे की तरफ बढ़ गए। एक कोने में खड़ी शांति जी और विशु ये सब गौर से देख रही थी। वो दोनों विभा जी के पास किचन में बढ़ गईं। किचन में आकर शांति जी और विशु ने देखा कि विभा जी चाय बना रही थी। उनके चेहरे पर अब कोई भाव नहीं थे, पर शांति जी अपनी बहन को जानती थी। उन्होंने प्यार से विभा जी के सर पर हाथ रखते हुए कहा, विभा हो सकता है कोई बात हो, देवर जी परेशान हो? हाँ दीदी, मैं बस उनके लिए चाय बना रही थी, विभा जी ने बिना उनकी ओर देखे ही कहा। पर शांति जी समझ रही थी, वो उनसे नजरें इसलिए चुरा रही थी क्योंकि वो अपनी नमी छुपा रही थी। विशु ने एकदम से कहा, ओफो बड़ी माँ, हम बेवजह परेशान हैं, यहाँ तो चाय शाय बनाई जा रही है। क्या बात है मम्मी जी, मैं दो कप निकाल देती हूँ। उसके बाद सुनते ही विभा जी को हंसी आ गई। ये देख कर शांति जी भी मुस्कुरा दी, बदमाश कहीं की, विभा जी ने विशु की ओर देख कर कहा। तो विशु उनके पास आकर उन्हें पीछे से हक करते हुए बोली, हाय कितने सोने लग रहे हो आप हंसते हुए, पापा जी ने खुश हो जाना है आपको ऐसे देखकर। उनकी बात सुनते ही एक बार फिर सब हंस पड़े। किचन के बाहर खड़ी बुआ जी ये देखकर मन में बोली, इस कुड़ी के रहदे कोई उदास नहीं हो सकता, वाहे गुरु खुश रखो सबनो, और वो मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। कुछ देर बाद विभा जी चाय लेकर कमरे में आई। उन्होंने देखा राजेश जी सोफे से सर लगाए आंखें बंद किए हुए बैठे थे। वो आहिस्ता कदमों से उनके पास आते हुए बोली, जी आपकी चाय। राजेश जी ने अपनी आंखें खोलकर चाय का कप लिया। उनके चेहरे पर कुछ परेशानी भरे भाव थे। ये देखकर विभा जी ने धीरे से पूछा, आप परेशान लग रहे हैं, सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है, राजेश जी ने बस इतना कहा और चाय की एक घूंट मुंह में भर ली। विभा जी चुप थी। तभी राजेश जी को एकदम से अपना बिहेवियर याद आया। वो चाय का कप टेबल पर रखते हुए बोले, वो मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया, सॉरी। विभा जी बोली, कोई बात नहीं, पर आप परेशान? नहीं हूं मैं परेशान, राजेश जी ने विभा जी की बात बीच में काट दी। विभा जी मुस्कुरा दी और बोली, वैसे भी आप अपने मन की कोई बात मुझे बताते ही कहाँ हैं? इतना कहकर वो वहां से चली गई। उनके जाते ही राजेश जी परेशान से अपने आप में बोले, कैसे बताऊं मैं तुम्हें, ये जानकर सबसे ज्यादा तकलीफ तुम्हें ही होगी, पता नहीं क्या हुआ ये मुझसे। वो लंबी सांस लेने लगे। इधर मीरा अब ये सोचकर कंफ्यूज हो रही थी कि वो क्या पहने। उसने कुछ देर तक सोचने के बाद चिढ़कर अपने आप में कहा, ओहो बाबा जी, मैंने तो समझ ही नहीं आंदा, आज इन्ना क्यों सोच रही हूँ मैं। उसने अपना सर झटका। तभी नील कमरे में आ गया। उसने कबट के पास खड़ी मीरा को देखा। कुछ पल तक मीरा को देखते रहने के बाद नील उसके पास बढ़ गया। नील को अपने पास देखकर मीरा ने सवालिया निगाहों से उसकी ओर देखा, पर नील ने बिना कुछ कहे कबट के पास हल्का सा झुक कर कुछ निकाला और उसे मीरा के सामने बढ़ा दिया। नील के हाथों में व्हाइट गाउन देखकर मीरा बस एक टक उसे देखती रही, पर फिर उसने अटकते हुए कहा, तुम ये? तुम कंफ्यूज थी ना, तो ये पहन लेना, अच्छा लगेगा तुम पर, नील ने मीरा की आंखों में देखते हुए कहा। उसकी नजरें काफी थी मीरा की धड़कनों को बढ़ाने के लिए। अपनी बढ़ी हुई धड़कनों को काबू करने की कोशिश करते हुए मीरा बोली, मैं खुद डिसाइड कर लूंगी। नील चुपचाप उसे देखता रहा। तभी मीरा एटीट्यूड दिखाते हुए बोली, वैसे भी मैं नाराज हूँ तुमसे। उसकी बात सुनते ही नील के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने हल्का सा हंसते हुए कहा, मुझे पता है। उसे हंसता देखकर मीरा आंखें छोटी छोटी करके उसे देखते हुए बोली, मैं सच में नाराज हूँ। पता है तुम सच में नाराज हो, नील ने धीरे से कहा। उसका ये रिएक्शन देखकर मीरा का मुंह बन गया। कुछ देर तक उसे देखने के बाद मीरा बोली, तुम ना अभी कह रहे थे कि अपनी नाराज बीवी को मनाना है, पर तुमने तो कुछ सीरियसली लिया ही नहीं, पता नहीं कैसे पति हो तुम। उसकी ये बात सुनकर नील ने गाउन वापस कबर्ड में रखकर लापरवाही से कहा,
जैसा भी हूँ, पर तुम्हें मुझसे ही काम चलाना होगा। हाँ, तो मैंने कब कहा कि मुझे दूसरा पति चाहिए? मीरा एकदम से बोली। उसके मुंह से दूसरा पति शब्द सुनते ही नील के चेहरे पर भाव गहरे हो गए, उसकी आंखें छोटी हो गई। मीरा की ओर देखकर नील ने उसे एकदम से कमर से खींचते हुए अपने करीब करके एक ठंडी आवाज में कहा, मिसेस मीरा नील खन्ना हो तुम। अपने नाम के साथ जोड़ा मेरा नाम अपने हाथों की लकीरों से या अपनी किस्मत से मुझे अलग नहीं कर सकती तुम। कुछ ऐसा जुड़ा है हमारा साथ, समझी तुम? नील के चेहरे पर और उसकी बातों में आई गहराई देखकर अपने लिए उसका प्यार आज मीरा साफ देख पा रही थी। नील के इस रूप से उसे डर भी लगने लगा था। आज तक उसे उसने कभी ऐसे नहीं देखा था। वो अपने कांपते होठों से बोली, तुम इतने मैं तो बस। कि तभी नील ने उसके होठों पर उंगली रख दी। मीरा की धड़कनें बढ़ने लगी। वो किसी तरह अपने आप को शांत रख रही थी जो नील देख पा रहा था। उसने मीरा की आंखों में झांकते हुए धीमी सी आवाज में कहा, आइंदा ऐसा कभी सोचना भी मत, क्योंकि मीरा सिर्फ नील की है। अब इतना सुनकर मीरा की धड़कनें और ज्यादा बढ़ गईं। नील बहुत ही आहिस्ता से उसके होठों पर रखी अपनी उंगली नीचे करने लगा। ये स्पर्श इतना रुमानी था कि मीरा की आंखें खुद ब खुद बंद हो गईं। नील ने जब मीरा को ऐसे देखा तो उसके लिए खुद को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। उसकी बंद आंखें नील को एहसास दिला रही थी कि वो उसका विश्वास जीत चुका था। नील कुछ पल तक मीरा को बहुत गौर से देखता रहा। उसकी ऊपर नीचे होती सांसें नील को भी मदहोश कर रही थी। उसने मीरा के होठों की तरफ अपने होंठ बढ़ा दिए। मीरा की आंखें बंद थीं, पर उसे अपने होठों के बहुत करीब नील के होंठ महसूस होने लगे। उसने अब भी अपनी आंखें मूंद कर रखी थी। दोनों की सांसें अब मिल चुकी थी। नील ने आंखें बंद कर ली थी। उसके होंठ मीरा के होंठ को छूने वाले थे। मीरा ने बंद आंखों से ही नील के हाथों को पकड़ लिया। उसके छुअन से नील एकदम से रुक गया। उसे अब एहसास हुआ कि वो क्या करने जा रहा था, तो उसने अपनी आंखें खोल ली और अपना चेहरा पीछे कर लिया। जब मीरा को उसकी सांसें अपने होठों के पास महसूस नहीं हुई तो उसने अपनी आंखें खोली। मीरा ने देखा नील शांत सा खड़ा था। I am sorry, नील ने हिचकिचाते हुए कहा। उसे डर था कि कहीं मीरा को बुरा ना लगे, वो उसे छोड़कर न चली जाए। उसने मीरा की ओर देखकर कहा, प्लीज तुम गुस्सा मत होना, मैंने कुछ जानबूझकर नहीं किया, वो बस प्लीज तुम जाना मत। क्या जवाब देगी मीरा? और क्या कोई राज था जो राजेश जी छुपा रहे थे? आखिर क्या होगा जब उस राज से पर्दा हटेगा? जानने के लिए सुनते रहिए अनवांटेड मैरिज सिर्फ पॉकेट एफएम पर। डियर लिसनर, अगला एपिसोड इस कहानी का आज का आखिरी फ्री एपिसोड होगा। कल वापस आने पर आपको मिलेंगे फ्री एपिसोड्स। कहानी को बिना रुकावट सुनने के लिए आप खरीद सकते हैं पॉकेट एफएम कॉइंस। अगली कहानी इस एपिसोड के ठीक बाद चल जाएगी। मीरा बस चुपचाप एक टक नील को देख रही थी। उसने अब नील की ओर देखकर कहा, मैं वो नहीं, I mean, मैं नहीं जा रही। मीरा ने जैसे ही अपनी बात पूरी की, नील ने एक राहत की सांस ली। वो अब चुपचाप कमरे से चला गया। मीरा की आंखों के सामने अभी हुई सारी बातें घूमने लगी। उसने सब सोचते हुए अपने आप से ही कहा, जब दूसरे पति की बात की तो ऐसे रिएक्ट कर रहा था जैसे जान ही ले लेगा मेरी, और फिर। पर फिर वो एकदम हैरान होकर अपने आप में ही बोली, ओहो, वो मुझे किस करने वाला था, वो भी। इतना बोलते बोलते वो चुप हो गई, पर उसके गाल शर्प से लाल हो गए। दूसरी तरफ विभाजी आंगन में आकर पौधे में पानी डालने लगी। तभी उन्होंने कुछ आहट महसूस की तो पलट कर देखा, सामने शांति जी थी। उन्हें देखकर वो मुस्कुरा कर बोली, दीदी कुछ काम है? विभाजी की बात सुनकर शांति जी की आंखों में नमी तैर आई। वो नम आंखों से बोली, मेरा काम कब तक आसान करती रहेगी?
दीदी क्या आप भी ना? चलिए आपके पैरों में मालिश कर देती हूँ, वरना फिर सूजन बढ़ जाएगी, विभा जी ने कहा और शांति जी के पास आकर उनका हाथ पकड़कर उन्हें अपने साथ ले जाने लगी। शांति जी उनकी ओर देखकर बोली, देवर जी ठीक हैं? इतना सुनते ही विभा जी के कदम रुक गए। उन्हें कमरे में हुई सारी बातें याद आने लगी। वो अपने इमोशन छुपाते हुए मुस्कुरा कर बोली, हाँ दीदी सब ठीक है, आपको पता है माफी भी मांग रहे थे, वो उनके सर में थोड़ा दर्द हो रहा था ना, मैंने पूछा तो बता रहे थे, लेकिन मैंने दवाई दे दी है। बड़ी सफाई से उन्होंने झूठ बोल दिया। उनकी बात सुनकर शांति जी को थोड़ी राहत मिली। वो मुस्कुराते हुए बोली, शादी को इतने साल हो गए हैं तो अब तो समझदारी होगी ना रिश्ते में। उनकी बात सुनकर विभा जी मुस्कुरा दी, पर उनकी आंखों में नमी तैर आई। अपने कमरे की खिड़की के पास खड़े राजेश जी ये सब देख रहे थे। ये देखकर वो वापस अंदर आ गए और एक चिंता की लकीर फिर से उनके माथे पर आ गई। पार्किंग एरिया में अपनी गाड़ी के पास खड़ा नील मीरा का इंतजार कर रहा था। उसे थोड़ा सा अजीब लग रहा था, ये सोचकर कि पता नहीं मीरा क्या सोच रही होगी। तभी किसी के कदमों की आहट सुनाई दी तो नील ने नजरें सामने की तो देखा मीरा वहां आ रही थी। उसे देखते ही नील का दिल धड़क उठा, उसकी नजरें उस पर थम गई। मीरा ने वही व्हाइट गाउन पहना था जो नील ने निकाला था, होठों पर हल्की लिपस्टिक, चेहरे पर हल्का मेकअप, खुले बाल, मांग में हल्का सा सिंदूर, गले में मंगलसूत्र। अपनी नजरें झुकाए मीरा आ रही थी। नील को इस वक्त वो दिन याद आ गया जब उसने मीरा के लिए सरप्राइज प्लान किया था, तब भी वो इसी तरह से रेडी हुई थी और इसलिए उसने सेम वही गाउन उसके लिए निकाला था। खुद नील ने भी व्हाइट शर्ट के साथ ब्लैक जीन्स पहनी हुई थी। मीरा को देखकर नील मन में बोला, मेरी कोशिश अब शुरू हुई है, पता नहीं क्या होगा। मीरा ने जैसे ही अपनी नजरें उठाई नील को देखती रह गई। वो चलकर उसके पास आई। नील ने मीरा के लिए कार का डोर ओपन किया तो मीरा चुपचाप बैठ गई। नील भी आकर ड्राइवर सीट पर बैठ गया। उसने सीट बेल्ट लगाई और गाड़ी आगे बढ़ा दी। दोनों खामोश थे। कमरे में हुई बातें अब भी दोनों की आंखों के सामने घूम रही थी, पर नील को एक बात की तसल्ली थी कि जो हुआ उसके बाद भी मीरा उसके साथ जाने के लिए मना नहीं कर रही थी। उसने मीरा की ओर देखा तो वो खिड़की के बाहर देख रही थी और हवा में उसके बाल लहरा रहे थे। नील ने अपनी नजरें सामने कर ली और अपना ध्यान ड्राइविंग पर लगाने लगा। मीरा बाहर देखते हुए अपने आप में ही सोच रही थी, ये जब भी मेरे क्लोज आता है मैं क्यों शांत पड़ जाती हूँ, इसके छूते ही ऐसे लगता है जैसे। पर फिर उसे एहसास हुआ कि वो क्या सोच रही थी तो उसने अपने आप में ही कहा, ओफो मीरू क्या सोच रही है। उसने अपनी नजरें नील की ओर घुमाई। उसे देखकर मीरा ने कुछ पल तक चुप रहने के बाद कहा, हम कहाँ जा रहे हैं? पहुंच जाएंगे बस कुछ देर में, नील ने सामने देखते हुए कहा, जिससे मीरा का मुंह बन गया। वो चिढ़ते हुए बोली, इतना सस्पेंस क्यों क्रिएट कर रहे हो, बीवी पर वकालतगिरी मत दिखाओ, ऑलरेडी मैं नाराज हूँ तुमसे। अपनी झूठी नाराजगी की धमकी मीरा बहुत एटीट्यूड के साथ दे रही थी। उसकी बात से एक छोटी सी मुस्कान नील के होठों पर तैर आई। उसने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, वकालतगिरी ये शब्द याद है तुम्हें? बाय द वे मुझे याद है, मेरी बीवी नाराज है मुझसे। मीरा ने नील की बात पर तपाक से कहा, लगता तो नहीं है, मैंने तो समझ ही नहीं आंदा तुम इतना सस्पेंस क्यों क्रिएट कर रहे हो, अरे यार बता भी दो। चुप, एकदम चुप। नील ने जैसे ही इतना कहा मीरा एकदम खामोश हो गई, उसके धड़कने बढ़ गईं। मीरा ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसका ये एक्सप्रेशन नील के फेस पर स्माइल ले आया। वो मीरा के चेहरे की ओर देखते हुए बोला, वैसे ये ड्रेस क्यों पहनी, तुम तो कह रही थी तुम खुद डिसाइड कर लोगी। इतना सुनते ही मीरा ने अपनी आंखें खोल ली। वो हड़बड़ाए हुए बाहर देखने लगी पर फिर खुद को नॉर्मल करते हुए बोली, मैं वो। इतना बोलकर मीरा एक पल को चुप हो गई। उसने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, वो तुमने कहा था ना, इसीलिए मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या पहनूं, इसीलिए पहन ली। नील बिना किसी एक्सप्रेशन के उसकी बातें सुन रहा था। उसने कुछ नहीं कहा,
ये बात मीरा को गुस्सा दिलाने लगी तो वो चिढ़ते हुए मन में बड़बड़ाने लगी। अजीब है, मैंने इसकी पसंद की हुई ड्रेस पहनी और ये कुछ बोलता भी नहीं है। कुछ देर बाद नील ने गाड़ी रोकी। मीरा उस जगह को देखकर एकदम से बोली, अरे ये तो वो सनसेट कैफे है ना, यहाँ क्यों आए अभी हम, अब तो रात हो गई है। इतना बोलकर वो उदास हो गई। नील गाड़ी से बाहर आया, उसने मीरा की तरफ आकर कार का डोर ओपन किया और अपना हाथ बढ़ा दिया। मीरा उसके हाथ को देखती रही, फिर कुछ पल के बाद आहिस्ता से मीरा ने अपना हाथ नील के हाथ पर रख दिया। वो गाड़ी से बाहर आई, उसने देखा ये एरिया काफी सुनसान था और कैफे के बाहर क्लोज बोर्ड लगा हुआ था। ये देखकर वो मुंह बनाते हुए बोली, पता है मुझे ना ये जगह बहुत पसंद है, पर आज ना अलग लग रही है और ये तो बंद भी है। उसके उदास चेहरे को देखते हुए नील बोला, चलो मेरे साथ। वो मीरा को लेकर उस तरफ बढ़ने लगा। कैफे के बाहर आकर नील ने अपनी जेब से कीज निकालकर डोर ओपन किया। डोर ओपन होते ही मीरा के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान तैर गई। वो खुश होकर बोली, अरे ये तो खुल गया। उसे यूं खुश होता देख नील को थोड़ा रिलैक्स्ड फील हुआ। उसने मीरा का हाथ आहिस्ता से छोड़ दिया तो मीरा तुरंत अंदर आ गई। अंदर आते ही उसके कदम ठिठक गए। आसपास ग्लास के वॉल थे और उस पर व्हाइट कर्टन्स लगे हुए थे। कर्टन्स के ऊपर फेरी लाइट और रोजेस से डेकोरेशन हुई थी। जमीन पर गुलाब की पंखुड़ियां बिछी थी। बीच में एक टेबल था जिस पर रोजेस और कैंडल्स से डेकोरेशन की हुई थी। टेबल के दोनों ओर दो चेयर्स थी। एक साइड में एक बड़ी सी टेबल पर पानीपुरी, भेल, चाट, चॉकलेट्स, आइसक्रीम सब था। ये सब देखकर मीरा के चेहरे पर हैरानी और खुशी के मिले जुले भाव थे। उसकी पसंद की छोटी छोटी चीजें यहाँ थी जो उसे खुशी दे रही थी। इससे पहले भी नील ने यहीं पर उसके लिए सरप्राइज प्लान किया था, पर ये बात मीरा को याद नहीं थी। तभी नील आकर उसके बगल में खड़ा हो गया और बोला, क्या हुआ, पानीपुरी सामने है और तुम अब तक यहीं खड़ी हो? उसकी आवाज कानों में पड़ते ही मीरा ने उसकी तरफ देखा। उसने धीरे से पूछा, ये सब मेरी वन एंड ओनली वाइफ के लिए है, उसके बात पूरी होने से पहले ही नील ने कहा। ये सुनते ही मीरा के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। वो खाने वाली टेबल की तरफ बढ़ गई। उसे इतना खुश देखकर नील मुस्कुराने लगा। इधर यूवी जब घर आया और डाइनिंग एरिया में देखा कि विभा जी खाने की प्लेट लगा रही थी, उनके चेहरे पर उदासी साफ झलक रही थी, तो वो ऑफिस बैग वहीं सोफे पर रखते हुए उस ओर बढ़ गया। उसने उनके पास आते हुए कहा, मॉम क्या हुआ? यूवी की आवाज सुनते ही विभा जी उसकी ओर देखकर मुस्कुराते हुए बोली, आ गया तू, ये ले पानी। इतना कहकर उन्होंने पानी का ग्लास उठाकर यूवी की ओर बढ़ा दिया, पर यूवी ने वो ग्लास उनके हाथ से लेकर रख दिया और बोला, मॉम क्या हुआ, आप ठीक हो? अरे मुझे क्या होगा, तू जा चेंज कर ले फिर डिनर कर लेना, विभा जी ने बात टाल दी। यूवी ने उनका हाथ छोड़ दिया। वो उनके और पास आकर उन्हें एक साइड से हग करते हुए बोला, आपको पता है आप मुझसे झूठ नहीं बोल पाती, जानता हूँ झूठ बहुत अच्छे से बोलना आता है आपको, पर मुझसे नहीं, बताइए क्या हुआ? विभा जी की आंखों में नमी आ गई। उन्होंने यूवी की ओर देखकर प्यार से कहा, जानती हूँ तो सब जानता है, समझता है, पर सच में मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। यूवी ने कंफर्म करते हुए पूछा, पक्का ना? हाँ, विभा जी ने मुस्कुराते हुए कहा। तभी कहीं से दौड़ता हुआ विराज वहाँ आ पहुँचा। उसने जैसे ही यूवी को देखा उसके पैरों को पकड़ते हुए उसे हग कर लिया। ये देखकर यूवी अपनी मॉम से दूर हुआ और विराज को गोद में उठा लिया। विराज यूवी के सीने से लिपटते हुए बोला, मुझे आइसक्रीम खाने जाना है। उसकी बात सुनकर विभा जी और यूवी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। नहीं बच्चे अभी नहीं, यूवी ने इतना कहा कि विराज उससे दूर होते हुए एटीट्यूड दिखाकर बोला, कोई बात नहीं मैं अपने मामू को बोल दूंगा। उसकी बात सुनते ही यूवी और विभा जी हंस पड़े। यूवी उसे डांटते हुए बोला, मामू के बच्चे, आइसक्रीम खाने के लिए आपको मामू की याद आती है? अरे नहीं पॉप, मामू तो मेरी हर बात सुन लेते हैं ना, इसलिए, विराज ने अपने सर पर मारते हुए कहा। उसकी हरकतों को देखकर विभा जी बोली, यूवी ले जाना, बच्चा है और आज तू वक्त पर भी आ गया है,
तो इसी बहाने तुम तीनों घूम भी आओगे। इतना सुनते ही विराज खुश हो गया। उसने विभा जी की ओर देखकर आंखें टिमटिमाते हुए कहा, दादी आप इतनी अच्छी हो, आई लव यू। और उसने उनके गाल पर किस कर दिया, जिससे विभा जी मुस्कुरा दी। फिर यूवी की ओर देखकर आशा भरी आवाज में कहा, पॉप हम जाएंगे ना? और वो उसे बहुत गौर से देखने लगा। उसकी हरकत देख यूवी बखूबी समझता था। उसने मुस्कुराते हुए पलके झपका दी, जिससे विराज खुश हो गया। तभी यूवी बोला, पर डिनर के बाद। ओके ओके, विराज तपाक से बोला। विशु कमरे में सोफे पर बैठी कुछ सोच रही थी, तभी यूवी कमरे में आया। उसने विशु को ऐसे देखा तो उसके पास आकर बैठ गया, पर विशु इस वक्त अपनी सोच में इतनी डूबी हुई थी कि उसे एहसास ही नहीं हुआ कि यूवी आ चुका था। उसका ध्यान अपनी तरफ करने के लिए यूवी ने बैठी हुई विशु को यूं ही उठाकर अपनी गोद में बैठा लिया। उसके ऐसा करते ही विशु हड़बड़ा गई। उसने जैसे ही यूवी को देखा तो एक राहत भरी सांस ली और बोली, ओहो यूवी, तुमने तो बिल्कुल डरा दिया मुझे। तू मुझसे डरती तो नहीं है मेरी जंगली बिल्ली? यूवी उसके गाल को अपने होठों से छूते हुए बोला। उसके हरकत पर विशु चिहुक उठी। उसने यूवी की ओर देखकर कहा, आज मेरे लिए टाइम मिल गया तुम्हें। यूवी बोला, तू बस शिकायतें करती रहे हमेशा। ये कहते ही यूवी ने उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। उसके हाथ विशु की कमर और पेट पर कसे हुए थे। विशु मुस्कुराकर यूवी की ओर देखते हुए बोली, ओह आज बड़ा प्यार आ रहा है। यूवी ने उसकी गर्दन के पास अपने होठ रख दिए और बोला, चुप कर थोड़ी देर। और उसने विशु को अपनी बाहों में जकड़े हुए आंखें मूंद ली। उसकी सांसें विशु अपनी गर्दन पर साफ महसूस कर पा रही थी। उसने चेहरा यूवी की ओर घुमाते हुए प्यार से कहा, छोड़ो तुम थके हुए लग रहे हो, तो मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। यूवी ने अपनी आंखें खोल दी और विशु पर अपनी पकड़ थोड़ी ढीली कर दी, तो विशु उसकी ओर घूम कर बैठ गई और उसके चेहरे को देखते हुए बोली, क्या हुआ? क्या चल रहा है यूवी और विशु के दिमाग में? और क्या नील की ये कोशिश रंग लाएगी? क्या होगा आगे? जानने के लिए सुनते रहिए अनवांटेड मैरिज सिर्फ पॉकेट एफएम पर। कहानी को